नहीं वो देखांगे तो मैच करांगे ना। I love my credit card bill. Let me explain. Every time I pay my bill using Cred, I receive Cred coins, which I can then redeem for all kinds of exclusive rewards, which means I'm rewarded not just for using my credit card. I love my credit card bill. Let me explain. Every time I pay my bill using Cred, I receive Cred coins. ओके सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, सत श्री अकाल एंड वेरी गुड इवनिंग। बहुत ही जल्दी हम आपके साथ एक बहुत ही बढ़िया और यूनिक बिजनेस अपॉर्चुनिटी शेयर करने जा रहे हैं। बस बहुत ही जल्दी हमारे साथ हमारे जो आज के गेस्ट स्पीकर हैं वो बहुत ही जल्दी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, तो उसके बाद बहुत ही लाइफ चेंजिंग इवेंट आज आपके साथ शेयर किया जाएगा। जब तक हमारे गेस्ट स्पीकर हमारे साथ जुड़ते हैं हम कुछ फॉर्मल बातें कर लेते हैं। तो नए दोस्त जो भी आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन सभी का आज बहुत बहुत स्वागत है इस यूनिक और वर्ल्ड क्लास बिजनेस अपॉर्चुनिटी में। तो मेरे नए दोस्तों से यही हम्बल एडवाइस रहेगी कि प्लीज बी ओपन माइंडेड और अंत तक इस अपॉर्चुनिटी को देखिएगा ताकि एक लाइफ का एक बहुत बड़ा डिसीजन ले सकें और अपनी लाइफ को एक बदलाव की तरफ लेके जा सकें। जैसे आजकल बाहर सिनेरियो है, बहुत ही टेंशन वाला सिनेरियो है, हर एक की जॉब आज देख ही चुके हैं लॉकडाउन में, बहुत ही ले ऑफ्स हुए थे और प्रोफेशंस भी कुछ कम हुए थे, पर नो डाउट ये टाइम सदा नहीं रहेगा, पर आने वाला टाइम सदा ही अच्छा रहेगा ये भी नहीं होगा, तो क्यों ना कुछ ऐसा कर लिया जाए। सिल्वर सनअप, इवन सभी लीडर से मेरी रिक्वेस्ट है जो ड्रेस कोड में है, जो हमारे साथ जूम पे एसोसिएटेड है, प्लीज अपना वीडियो ऑन कर लेंगे। सभी लीडर से मेरी रिक्वेस्ट है थ्रू आउट प्रेजेंटेशन अपना वीडियो ऑन रखेंगे जो दोस्त ड्रेस कोड में है। थैंक यू वेरी मच। और मेरी रिक्वेस्ट है अंत तक वीडियो ऑन रखिएगा। हाँ, जब रिकॉग्निशन पार्ट आएगा तब हम आपको रिक्वेस्ट करके कुछ समय के लिए वीडियो ऑफ करवाएंगे, उसके बाद फिर ऑन कर लेना है। तो सभी नए दोस्तों को फिर से मैं वेलकम करता हूँ और जो भी हमारे साथ जो हमारे दोस्त हैं जो ऑलरेडी इस अपॉर्चुनिटी को कर रहे हैं उन सभी का भी स्वागत है। पीपल फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ दे आर इनटू दिस बिजनेस और हम सभी दोस्तों को आपको इस प्रेजेंटेशन के बाद मिलवाएंगे भी, ताकि आपको यकीन आ सके कि ये सिंपल बिजनेस है और सभी लोग इसको कर सकते हैं। तो आज फिर हम एक पावरफुल प्रेजेंटेशन है कि आपके सामने उपस्थित हुए हैं और जो हमारे साथ आज गेस्ट स्पीकर जुड़े हुए हैं दे आर वेरी लर्नड पर्सन्स, बहुत ही लर्नड कपल है, वेरी एक्साइटेड और उन्होंने इस बिजनेस में बहुत सक्सेस टच की है, बहुत हाइट्स टच की हुई है, अदरवाइज ऑल्सो दे आर डूइंग वेरी वेल इन देयर लाइफ। इससे पहले कि मैं उनको इंट्रोड्यूस कराऊं मैं अपने बारे में कुछ बताना चाहूंगा। आई एम ए चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय प्रोफेशन और मेरा नाम जितेंद्र सिंह है और अपने प्रोफेशन को पिछले 28-29 साल से मैं कर रहा हूं एज ए प्रैक्टिस में। तो कुछ सालों से इस बिजनेस को भी मैं बहुत पैशनेटली बिल्ड कर रहा हूं, बहुत से रीजंस हैं, पर आज जो रीजंस हमारे गेस्ट स्पीकर के होंगे वो आप ध्यान से सुनिएगा कि उन्होंने अपनी लाइफ को इतना बढ़िया होते हुए भी इस बिजनेस में क्यों आए, ऐसा उनमें कैसा बिजनेस में कुछ ऐसा नजर आ गया उनको कि इतना बढ़िया लाइफ जीते हुए भी उन्होंने बिजनेस को बिल्ड किया और आज आप फ्रीडम की लाइफ जी रहे हैं। दे आर वेरी लर्नड पर्सन, बहुत डेप्थ में जानते हैं इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में, वो बहुत ध्यान से सुनिएगा, आप आज का लाइफ चेंजिंग इवेंट हो सकता है क्योंकि उनकी जो एक्सपीरियंस है इस बिजनेस में उस एक्सपीरियंस के थ्रू बहुत से दोस्त अपनी लाइफ चेंज कर चुके हैं ऑलरेडी, मे बी आज टुडे इज योर डे नाउ। तो आज के गेस्ट स्पीकर के बारे में आपको मैं शेयर करना चाहूंगा, they are all the way from Amritsar, Punjab. They were doing very well when they joined this business. Jab ye business unki life mein aaya bahut badhiya kar rahe the wo already. Jo sir hai wo insurance mein the, officer the insurance company mein and he is at very senior level. Madam lecturer the college mein, both were very well educated, post graduate the dono hi. Bahut badhiya kar rahe the, earning achhi thi, life bahut badhiya chal rahi thi.
ये बिजनेस उनकी लाइफ में आया, वो खुद ही बताएंगे कि इस बिजनेस में उनकी लाइफ में आके क्या चेंजेस लेके आया और क्यों उन्होंने इस बिजनेस को करने का फैसला लिया। तो अभी मैं ज्यादा वक्त ना लेता हुआ आज के गेस्ट स्पीकर को इन्वाइट करना चाहूंगा। तो मैं हेल्प चाहूंगा सभी लीडर्स जो हमारे साथ जूम पे हैं और जिनका वीडियो ऑन है, तो वो मेरी हेल्प करेंगे आज के लर्न एंड कपल को बुलाने के लिए। तो आई नाउ वेलकम दिस लर्न एंड कपल्स डायमंड्स गोइंग कैंप ऑल द वे फ्रॉम अमृतसर पंजाब, रवि एंड रंजू बोपाराय। रवि जी, द स्टेज इज योर्स नाउ। थैंक यू जितेंद्र जी, थैंक यू वेरी मच। आज बहुत बढ़िया दिन है एंड आई एम रवि ओवर हियर एंड शी इज रंजू। एंड दोस्तों, आज आपसे हम कोई 40-50 मिनट बात करेंगे। इट्स गोइंग टू बी अ वंडरफुल सेशन। और हमारे मित्र हैं यहाँ पे जुड़े हुए, बिमल जी एंड वनीता जी। हम आज उनके उन्होंने हम स्पेशली हमें इनवाइट किया। तो जितने भी लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं पैन इंडिया, आई वॉन्ट टू टेल यू कि आप आज दुनिया का एक बेहतरीन बिजनेस देखने जा रहे हैं। वो आपको प्रेजेंटेशन के दौरान पता चलेगा। और आज दुनिया बदल रही है और ट्रेंड्स बदल रहे हैं, तो दिस इज द लेटेस्ट ट्रेंड ऑफ द 21st सेंचुरी। इसके ऊपर बहुत सारा लिटरेचर है, मिलियनेयर्स एंड बिलियनेयर्स ने भी लिखा है, इकोनॉमिस्ट ने भी लिखा है। तो इसके बारे में आज बात करेंगे एंड हो सकता है आज आपकी लाइफ चेंज हो जाए। मैं आपको वादा नहीं करता हूँ, बिकॉज वी आर लुकिंग फॉर सम शार्प पीपल जो जिंदगी बदलना चाहते हैं। शार्प से मतलब ये नहीं है कि जरूरी आप बहुत एजुकेटेड हो, आप कम भी एजुकेटेड हैं चलेगा। अगर आप एजुकेटेड हैं स्टिल गुड, अगर आपने कभी बिजनेस किया है बहुत बढ़िया बात है, अगर नहीं किया तो नो इशू। मतलब ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसके ऊपर कोई भी इंसान अगर रियली लाइफ में चेंज करना चाहता है, अपनी लाइफ को ड्रास्टिकली चेंज करना चाहता है विद इन ए फ्यू ईयर्स, तो आप कर सकते हैं। जितेंद्र जी, आई होप आई एम क्वाइट ऑडिबल। It's very clear, sir. Clear and loud. Thank you so much. So, friends, इससे पहले कि हम बातचीत शुरू करें, let me tell you my background. मेरा नाम रवि बोपाराय है. I belong to Amritsar. वैसे basically both of us husband wife are from a farming family. लेकिन पढ़ लिख गए, मैंने masters किया economics में, then I did my MBA. और मैं एक insurance officer था. And she will talk about रंजू के अपने बारे में बताएंगे. Over to you. Good evening, everybody. बहुत अच्छा लग रहा है आज सब आपके आज आपके बीच में हैं। और अपने बारे में थोड़ा बताऊं तो आई वाज लेक्चरर, कॉमर्स लेक्चरर, एंड मैं यूनिवर्सिटी टॉपर भी रही हूं। मेरा थ्रू आउट बैकग्राउंड हैज बीन ऑफ अ टॉपर ओनली। एंड कहीं ना कहीं जो कुछ चीजें लैक कर रही थी लाइफ में, आज जो आप बिजनेस देखेंगे, दिस विल रियली चेंज योर लाइफ, बिकॉज इट हैज चेंज्ड आवर लाइफ एंड माइट बी द डे इज फॉर यू टुडे। थैंक यू रंजू। दोस्तों, मैं और मेरे वाइफ हम दोनों ड्रीमर थे। दो मैं तो एक एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ, बहुत ब्रिलियंट नहीं रहा हूँ इनकी तरह, बट ये सारा पढ़ाई क्यों किया, ऑब्वियसली फॉर ए गुड लाइफ। बट जब जॉब कर रहे थे तो देखा कि गुड लाइफ तो मिसिंग है, क्योंकि जॉब में एक लिमिटेड इनकम होता है और होराइजन बड़ा था, ड्रीम बड़े थे कि कुछ बड़ा करना है, तो वो मुमकिन नहीं है। तो बाई चांस कुछ ऐसी बुक्स पढ़ी कामयाब लोगों की, तो पता चला कि कुछ अपना बिजनेस करना चाहिए अगर जिंदगी में कामयाब होना। अब देखिए, इस देश का सबसे अमीर आदमी क्या करता है, बिजनेस। आपकी स्टेट का सबसे अमीर आदमी क्या करता है, बिजनेस। और आपके शहर का, ऑब्वियसली बिजनेस। आई एम नॉट पुटिंग डाउन जॉब, जॉब्स अच्छी होती हैं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इज गुड, बट आज बात करेंगे कि कौन सा काम करें और कैसे करें और क्या हमारी कंस्ट्रेंट रहती है, हम बिजनेस नहीं कर पाते। हमारी कंस्ट्रेंट क्या थी, हमारे पास बहुत सारा पैसा नहीं था, बिकॉज बिजनेस के लिए चाहिए बहुत सारा पैसा, कैपिटल, नॉलेज चाहिए, वो हमारे पास नहीं था। वी वर कमिंग फ्रॉम ए जॉब बैकग्राउंड। तो तब ये प्रोजेक्ट देखा और बहुत ही बढ़िया लगा, इसने हमारी टोटल लाइफ चेंज कर दी। विद इन वन ईयर शी रिप्लेस हर इनकम, एंड मैंने दो साल उसको साथ साथ में किया, देन आई रिप्लेस माई इनकम, और आज हमारा बहुत बड़ा बिजनेस है एंड वी आर हैविंग अ ग्रेट लाइफ स्टाइल। तो यहाँ पे ये अपने बारे में बातचीत फिनिश करते हैं। आज हम ये बिजनेस देखते हैं, ये आपको क्या दे सकता है, आज की बात आपके बारे में है। तो आप जहां पे भी बैठे हैं, मैं चाहूंगा कि आप सीरियसली आधा पौना घंटा के लिए बैठिए और काइंडली मूव ना करना यहाँ वहां, नहीं तो आप कुछ भी मिस कर जाओगे। एंड आई टेल यू, दिस इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी ऑफ द वर्ल्ड, ये आपको इस प्रेजेंटेशन के दौरान पता चलेगा, ठीक है। सो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बिजनेस के बारे में, इस बिजनेस के बारे में जानते हैं, ये एक इंटरनेशनल बिजनेस है, और इसकी हिस्ट्री के बारे में जानते हैं।
क्योंकि कोई भी चीज की हम पहले हिस्ट्री देखते हैं, राइट? सो लेट्स मूव ऑन. ओके, तो अभी हम इसकी हिस्ट्री देखते हैं. ये बिजनेस हमें क्या ऑफर करता है. ओके, वी कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. तो लेट्स सी द हिस्ट्री ऑफ द बिजनेस. आगे चल सकते हैं हम. ओके, तो यहाँ पे आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं. मैं इसको ब्रीफ हिस्ट्री बताता हूँ, क्योंकि देखिए कॉलेज जाते हैं, यूनिवर्सिटी देखते हैं, ऑब्वियसली हम पहले ये चेक करते हैं कि क्या ये कॉलेज अच्छा है, यूनिवर्सिटी अच्छा है, इसका बैकग्राउंड क्या है. कोई भी बिजनेस का जिसका हिस्ट्री कोई नहीं है, कोई अच्छा हिस्ट्री नहीं है, वुड यू लाइक टू यू नो उसको देखना चाहेंगे? ऑब्वियसली नो. तो आज जो हम बातचीत करेंगे, अब मैं चाहूंगा जो भी लोग चाहे जूम पे हैं या यूट्यूब पे हैं, यू कैन यू नो वार्तालाप करते रहेंगे. आप मैसेजेस जरूर डालना जब मैं कोई आपको क्वेश्चन पूछूंगा. इट शुड बी अ टू वे कम्युनिकेशन. ओके, तो दोस्तों ये एक लीगल बिजनेस है, इंटरनेशनल बिजनेस है, 100 से ज्यादा कंट्रीज में हो रहा है, ऑथेंटिक बिजनेस है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का परमिशन मिला हुआ है, चेंबर ऑफ कॉमर्स का परमिशन मिला हुआ है. इनफैक्ट चेंबर ऑफ कॉमर्स डॉक्यूमेंट निकालता है हर साल इसके ऊपर. तो यू कैन वेरी वेल इमेजिन जहां पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की परमिशन और चेंबर ऑफ कॉमर्स की परमिशन है, तो आप कुछ ऐसी वैसी चीज नहीं देखने जा रहे, आप लीगल बहुत बड़ा बिजनेस देखने जा रहे हैं, और वो भी इंटरनेशनल. और यहाँ पे इनकम आपकी एफर्ट बेस्ड इनकम होगी. मतलब अगर आप रियली डेडिकेटेड हैं कुछ टाइम के लिए भी, आपको अपना जॉब नहीं छोड़ना, बिजनेस नहीं छोड़ना, उसके साथ साथ भी आप इस बिजनेस को डेवलप कर सकते हैं. अभी तो मैं वादा नहीं कर रहा हूँ कि आपको हम साथ में लेंगे, वो तभी होगा अगर आप हमें लगेगा कि आप क्वालिफाई कर रहे हैं और आप सीरियस हैं कुछ लाइफ में बड़ा करने के लिए. ठीक है, तो ये एफर्ट बेस्ड इनकम है. मतलब अगर आप कंटिन्यूस एफर्ट डालते हैं तो इनकम बहुत बड़ा भी हो सकता है, ये लाखों में जा सकता है और इससे ज्यादा भी जा सकता है मंथली इनकम. एंड यू कैन हैव अ ग्रेट लाइफस्टाइल. ओके, क्योंकि ये बिजनेस आपको टाइम भी देगा बाद में. आपके पास इतना टाइम होगा एंजॉय करने के लिए, एक बैलेंस लाइफ होगी, आप लाइफस्टाइल एंजॉय कर सकते हैं. ये बिजनेस 100 से ज्यादा कंट्रीज में हो रहा है. हम लोग नंबर वन है हेल्थ में और वेलनेस में पूरी दुनिया में. और दोस्तों यहाँ पे बता दूं, अगला सबसे बड़ा इंडस्ट्री हेल्थ और वेलनेस होने जा रहा है. ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, पॉल्स एंड पिल्सर दो बार यूएस गवर्नमेंट में एडवाइजर रहे हैं, उन्होंने बुक भी लिखा है द नेक्स्ट ट्रिलियन डॉलर इंडस्ट्री. आज तक दो ही ट्रिलियन डॉलर इंडस्ट्री रहा है, पहला वॉज ऑटो इंडस्ट्री, दूसरा कंप्यूटर इंडस्ट्री, और सबसे ज्यादा मिलियनर्स और बिलियनर्स उसी में निकले. लेकिन इंडस्ट्रीज को काफी टाइम लगा. ये इंडस्ट्री तो अगले 10-15 साल में ही वर्ल्ड का सबसे नंबर वन इंडस्ट्री बन जाएगा. तो इफ यू आर लुकिंग कि पैसा कहाँ पे है, दिस इज एन इंडस्ट्री. तो हम उसमें ऑलरेडी नंबर वन है. वी आर अमंग टॉप 5 ब्यूटी में, और ब्यूटी भी एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री. आज आपको पता है चाहे कोई एज भी है वो भी यंग दिखना चाहता है, ठीक है ना? और हमारे पास डेली कंज्यूमेबल आइटम सारे ही हैं. हमारे पास मतलब सैकड़ों की गिनती में ब्रश, टूथपेस्ट, शैम्पू, ऐसे सारी चीजें हैं. पर्सनल केयर है, होम केयर है, एग्रो केयर है, ऐसे प्रोडक्ट है जो खेती में उत्पादन बढ़ा देगा, खर्चा कम कर देगा. कुकवेयर है, ऐसा बढ़िया कुकवेयर कि आपका वजन आप मेंटेन कर सकते हो, आप हेल्दी कुकिंग कर सकते हो विदाउट ऑयल एंड है ना, और पैसा भी बहुत सारा सेव कर सकते हो. देन वी हैव मोर देन 450 प्रोडक्ट्स, तो बहुत ही बड़ा रेंज है प्रोडक्ट्स का. हमारे पास यहाँ पे 1000 साइंटिस्ट है. दोस्तों ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, 1000 साइंटिस्ट. बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों के पास 10 से ज्यादा, 5 से ज्यादा साइंटिस्ट नहीं होते. मोर देन 1000 पेटेंट्स, ऑलरेडी 1000 पेटेंट है. अगेन आई टेल यू, बहुत सारी कंपनी के पास 2-4-5 से ज्यादा पेटेंट नहीं होते, और 1000 हमारे यहाँ पे पेटेंट पेंडिंग है. तो इमेजिन करिए, एक साइंटिस्ट लाखों रुपए महीने के लेता है और यहाँ पे फुल टाइम 1000 साइंटिस्ट है, तो कितना इन्वेस्टमेंट हो रहा है. क्योंकि प्रोडक्ट डेवलपमेंट करते रहते हैं और नई नई चीजें आती रहती है. यहाँ पे 7000 से ज्यादा ऑर्गेनिक फॉर्म है. ऑर्गेनिक फॉर्म, माइंड यू, ऑर्गेनिक सर्टिफाइड ऑर्गेनिक फॉर्म वो होता है जहां 15 साल से कभी कोई स्प्रे नहीं हुआ, कोई पेस्टिसाइड नहीं डाला गया. यहाँ पे 80 ईयर्स से, लास्ट 80 ईयर्स से यहाँ पे कोई स्प्रे नहीं डाला गया. अपना बीज भी अपना होता है, सब कुछ अपना तैयार किया जाता है. सारी चीजें ऑर्गेनिक प्रोडक्ट से बनती हैं. ये बहुत बड़ी बात है. जो दुनिया आज सोच रही है, यहाँ पे 70-60 साल पहले सोच लिया गया. ऑल द प्रोडक्ट्स आर ऑर्गेनिक एंड इको फ्रेंडली. फिर बहुत बड़ा ग्लोबल टर्नओवर है, 70,000 करोड़ से भी ज्यादा. दोस्तों ये भी कोई लाइटली लेने वाली बात नहीं है. करोड़ मींस 70 और 40 और लगे 11, यानी कि अरबों में बिजनेस हो रहा है. एंड ये ट्रिलियन की तरफ बढ़ रहा है, एंड इट्स गोइंग टू बी ट्रिलियन डॉलर इंडस्ट्री. ठीक है, तो टर्नओवर मींस बिजनेस है ना, ह्यूज टर्नओवर. इसीलिए बहुत लोग यहाँ से पैसा बना रहे हैं, बहुत मिलियनर्स और बहुत कामयाब लोग यहाँ से निकल रहे हैं, है ना. हाँ, इच्छा हमारी है, हम थोड़ा पैसा बनाना चाहते हैं, ज्यादा बनाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, दैट इज अप टू अस. ओके,
एवरीथिंग इज मेड इन इंडिया और यहाँ पे ऑलरेडी 600 करोड़ से ज्यादा भी इन्वेस्ट किया इन्होंने मदुराई में, उसके बाद भी इन्होंने और पैसा लगा चुके हैं, पहले भी फैक्ट्रियां थी, तो बहुत सारा पैसा इन्वेस्टेड है ना। सो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो पूरा सेटअप है, ऑलरेडी बना हुआ है। तो बिजनेस में मेन चीज क्या होती है, R&D, इंफ्रास्ट्रक्चर, कैपिटल, वो यहाँ पे सारा लगा हुआ है दोस्तों। एंड वी आर ऑन द कटिंग एज, इनको पता है, आने इतना रिसर्च है जाता है यहाँ पे कि कौन सा प्रोडक्ट मार्केट में अभी नया चाहिए। अभी जैसे हमारा रिसेंटली च्यवनप्राश लॉन्च हुआ है, तो वो इतना हिट प्रोडक्ट होगा, आप देखना कि वो इट विल बी नंबर वन प्रोडक्ट वेरी सून। ऑलरेडी हमारे बहुत सारे प्रोडक्ट नंबर वन है मार्केट में, ठीक है। तो मतलब R&D में पैसा जाता है और ये कटिंग एज पे रहते हैं। वर्ल्ड क्लास ऑफिस है इंडिया में ऑलरेडी, और वर्ल्ड क्लास वेबसाइट है, वेबसाइट पे भी हम ऑर्डर कर सकते हैं, जाके भी ऑर्डर कर सकते हैं। चलिए हम आगे देखते हैं। अभी एक चीज सोचिए, ये था थोड़ा बिजनेस का हिस्ट्री। हम कोई भी काम, चाहे जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, क्यों करते हैं? ऑब्वियसली एवरीबडी हैज ड्रीम्स, इसी के लिए भागते हैं ना। सुबह क्यों जा रहे हैं मैं और मेरी वाइफ, क्यों दो हम लोग दोनों जॉब क्यों कर रहे थे? कि थोड़ा पैसा ज्यादा आएगा, है ना। और पैसे से क्या करेंगे? हर इंसान चाहता है मेरे पास बढ़िया गाड़ी हो, अच्छा घर हो, बच्चों की अच्छा एजुकेशन हो। और आपको पता है आज एजुकेशन बहुत महंगा हो गया है ना, वेरी वेरी कॉस्टली। हर इंसान का 1/3 तो एजुकेशन में जा रहा है। वर्ल्ड टूर हम करें, पहले लोकल ट्रैवल करें, फिर बाहर करें अगर पैसा ज्यादा होगा। शॉपिंग करना चाहता है हर इंसान, बढ़िया, राइट। देन बैंक बैलेंस हर इंसान चाहता है, अपनी मैरिज के लिए अच्छे पैसे हों या बच्चों की मैरिज के लिए अच्छे पैसे हों। हर इंसान अगर पैसा एक्स्ट्रा हो, कौन नहीं चैरिटी करना चाहेगा। देन अगेन वी ऑल्सो वॉन्ट टाइम और फाइनेंशियल फ्रीडम। मैंने तो वर्ड सुना ही नहीं था, फाइनेंशियल फ्रीडम क्या है? मतलब जब हम पैसे की टेंशन से बाहर निकल जाए। ये सबके ड्रीम होते हैं दोस्तों, लेकिन क्या हम जिस तरह के, क्या हम वो चीजें ले रहे हैं जो हम चाहते हैं? क्या वैसी गाड़ी चला रहे हैं जो हम चाहते हैं, या वो गाड़ी चला रहे हैं जो हमारी मजबूरी है? क्या हम वैसे घर में रह रहे हैं जो हम चाहते हैं, या एक मजबूरी वाले घर में रह रहे हैं, या उस लोकेशन में रह रहे हैं जो बड़ा सस्ता सा है, जहां पे हम अफोर्ड कर सकते हैं, है ना। और अगर नहीं, तो दोस्तों इसका मतलब हम कुछ करना चाहते हैं। हमारे ड्रीम सबके होते हैं, लेकिन पूरा क्यों नहीं करते? तो ये देखिए यहाँ पे क्या दिखाया जा रहा है। ड्रीम पूरे क्यों नहीं होते? क्योंकि हमारी इनकम छोटी होती है, लेकिन बेसिक नीड्स और ड्रीम्स ज्यादा है। तो जब इनकम छोटी होगी, तो हमें लाइफ ऑफ कॉम्प्रोमाइज करते हैं, गुजारा करते हैं, हर चीज से कॉम्प्रोमाइज करना शुरू कर देते हैं, और धीरे धीरे हम तो ड्रीम के बारे में भूल ही जाते हैं। ये पहले जब हम जॉब पकड़ना होता है या कोई बिजनेस करते हैं, तो ड्रीम्स होते हैं, धीरे धीरे वो भूल ही जाता है, क्योंकि हमें पता है पूरे तो होने वाले नहीं। लेकिन आज हम यही देखने जा रहे हैं आगे कि अगर हमारी इनकम बढ़ जाए, तो क्यों नहीं फिर हम ड्रीम पूरे कर सकते। तो आपका इनकम का सर्कल कैसे बड़ा करना है, और वो भी स्मार्ट तरीके से। पीपल आर वर्किंग हार्ड, आई टेल यू, मैं भी हार्ड वर्क कर रहा था। मुझे लगता था मैं बहुत बढ़िया जॉब कर रहा हूँ, मैंने बहुत डिग्रियां ले ली, है ना, और मेरे वाइफ बहुत बढ़िया है, लेकिन वी वर स्ट्रगलिंग। हम फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे थे, बैंकों में लाखों रुपए नहीं था, राइट, टाइम नहीं था हमारे पास। सुबह आते थे, शाम को सुबह से शाम तक बिजी रहते थे, और वो जो होता ना कि लाइफ ऑफ चॉइसेस, वो कहीं नहीं था। दोस्तों अपने आप से सच बोला, हमने अपने आप से सच बोला कि हमें भी इनकम बढ़ाने की जरूरत है। तो अगर आपकी इनकम का सर्कल बढ़ जाएगा, तो क्यों नहीं हम मनमर्जी की गाड़ी ले सकते हैं, मनमर्जी का घर, मनमर्जी का बच्चों का एजुकेशन, ट्रैवल करना, टाइम हो, ये सारी चीजें क्यों नहीं ले सकते हैं। तो आज यही हम देखने जा रहे हैं, वो इनकम का सर्कल बड़ा कैसे करें। चलिए आगे देखते हैं हम। तो अब हम देखते हैं रियलिटी में। कई बार हमें लगता है यार वी आर डूइंग वेरी वेल, है ना, मैं अच्छी जॉब कर रहा हूँ, या आई एम सेट। नहीं दोस्तों, अभी हमें देखना होगा कि हालात कैसे हैं, दुनिया में क्या हो रहा है। देखिए वैल्यू मनी की धीरे धीरे कम हो जाती है विद पासिंग विद टाइम। देखिए 1940 में 10 रुपए से गुजारा होता था। अगर आप पूछेंगे ना अपने ग्रैंडफादर से या किसी से, वो बता देंगे आपको। और 1960 में गजेटेड ऑफिसर की सैलरी लगभग 100-125 होती थी, और उसमें भी गुजारा हो जाता था। 1980 में देखिए एक जीरो लगता जा रहा है 20 साल के बाद, ये 1000 हो गया, लेकिन गुजारा मुश्किल से हो रहा था। 2000 में 10,000 से गुजारा नहीं हो रहा था लोगों का। और 2020 में 200, आज की डेट में 1,00,000 चाहिए गुजारा करने के लिए। कई लोग बोलेंगे नहीं ऐसे क्यों? अगर आप एक कार की किस्त दे रहे हो, 10-15,000 तो वहीं से चले जाएगा, उसको चलाने का भी खर्चा आएगा। अगर आपको छोटे मोटे घर की किस्त दे रहे हो, 20-25-30,000 वहीं पे चले जाएगा, बच्चों के एजुकेशन में चला जाएगा, 1,00,000 तो कुछ भी नहीं है। तो ये गुजारा ठीक ठाक गुजारा करने के लिए चाहिए, है ना। तो अगर हमें बढ़िया करना है, तो इससे ज्यादा इनकम होनी चाहिए आज की डेट में। तो 2040 में क्या होगा दोस्तों? ये इनकम 1,00,000 चाहिए। क्या हमारे पास ऐसा कोई व्यवस्था है? अगर हम आज 1,00,000 नहीं बना रहे, तो तब भी हमें ये सीरियसली देखने की जरूरत है। और अगर आगे हमें पता है कि अगले 2040 तक हमारी 10,00,000 से ज्यादा मंथली इनकम नहीं होगी, तो डेफिनेटली यू शुड सी दिस प्रोजेक्ट आई एम टेलिंग यू।
बहुत आप ये जरूरी चीज देख रहे हो। तो इनकम को मल्टीफोल्ड कैसे बढ़ाया जाता है ये हमें मालूम ही नहीं था। ये तो कुछ दुनिया के बड़े थोड़े लोग हैं जिनको मालूम है। जानते हो 95% लोग दुनिया में कभी भी ज्यादा पैसा नहीं बनाते। ये आंकड़े हैं, चाहे आपको ये आज बात पिंच करे लेकिन ये रियलिटी है दोस्तों। वो सिर्फ गुजारा करते हैं। 5% लोग ऐसे हैं जो दुनिया में बहुत वेल्थ जो पैसा बनाते हैं और वो पैसा उनको कंट्रोल नहीं करता। तो देखते हैं पैसा कमाने के तरीके क्या है। क्यों नहीं हम इतना कुछ करके इतनी डिग्रीज लेके इतनी बढ़िया जॉब लेके या कोई अपना प्रोफेशनल है, मे बी यूर अ डॉक्टर, यूर अ लॉयर और सी ए व्हाटएवर, तो क्यों नहीं हम उस तरह का इनकम बना रहे हैं, क्यों नहीं हमारे पास फ्रीडम है, टाइम क्यों नहीं है। तो देखिए ये क्वाड्रेंट देख रहे हैं आप, ये दुनिया के टॉप फाइनेंशियल एक्सपर्ट ने बोला, रॉबर्ट कियोसाकी, इज ऑलमोस्ट ए बिलियनर। उन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी हैं, बहुत वेल्दी हैं, और उन्होंने कहा है चार तरीके हैं पैसा कमाने के। देखिए पहला लेफ्ट साइड पे देखिए, ये क्वाड्रेंट है, यहाँ पे ज्यादा लोग हैं, 95% लोग एम्प्लॉईज एंड सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल। तो एम्प्लॉई में क्या होता है, उसके पास अपनी जॉब होती है, और नीचे देख रहे हैं एक्टिव इनकम, वो एक्टिव इनकम बनाता है। सेल्फ एम्प्लॉयड और एम्प्लॉईज दोनों एक्टिव इनकम बनाते हैं। टाइम लगाएंगे तो पैसा आएगा, टाइम बंद तो पैसा बंद, यानी कि फ्रीडम कोई नहीं है। अगर सुबह हम डॉक्टर हैं, शटर नहीं खुला, पैसा नहीं बनने वाला, इससे हार्ड रियलिटी ऑफ लाइफ। अगर लॉयर है आज आप नहीं देखोगे केस तो आप पैसा नहीं बनने वाला है। तो दूसरा लिमिटेड इनकम है, क्योंकि जितना टाइम लगाएंगे उतना इनकम बनेगा। अब हम लोग इनकम बनाना चाहते थे तो हस्बैंड वाइफ दोनों जॉब कर देते, दैट्स इट, इससे आगे तो नहीं जा सकते ना, टाइम का लिमिटेशन है हर इंसान के पास। तो ये जो लोग हैं लेफ्ट साइड पे, ये हमेशा काम करते रहते हैं पैसे के लिए, दे कैन नॉट रेस्ट। आपने देखा होगा डॉक्टर्स इवन 70 साल पे भी प्रैक्टिस कर रहे हैं। व्हाई? बिकॉज वो टाइम से बंधा हुआ है वो इनकम। तो आज बड़ी स्मार्ट चीज देखने जा रहे हैं, कुछ लोग इससे नहीं बंधे हुए हैं, वो फ्री है टाइम से, है ना। तो लेफ्ट साइड में इनकम लिमिटेड है और टाइम है ही नहीं बिल्कुल। हाँ, ये पढ़े लिखे लोग हैं, कुछ लोग अच्छे पैसे भी यहाँ पे भी बनाते हैं, लेकिन जितना बना सकते हैं उतना नहीं जितना उनका पोटेंशियल है। तो राइट साइड पे देखते हैं क्या है, ये 5% लोग हैं जिनके पास दुनिया के 95% वेल्थ है। तो आप देख रहे हैं बिजनेस ओनर वो कहता है रॉबर्ट कियोसाकी, वो होता है जिसके पास कम से कम 500+ इंप्लॉईज हो या पार्टनर्स हो। तो अपना सिस्टम क्रिएट करते हैं, है ना, और लोग उनके लिए काम करते हैं, लोग जो उनके साथ काम कर रहे हैं वो भी पैसा कमाते हैं और ये भी बनाते हैं। तो जैसे टाटा बाटा क्या कर रहे हैं, एजेंसीज दे रहे हैं, वर्किंग हैंड बढ़ रहे हैं, टाइम बहुत बढ़ रहा है, उनका टर्नओवर बहुत बढ़ रहा है, तो इसलिए वो पैसा ज्यादा बनाते हैं। और उसके बाद वो इन्वेस्टर बन जाते हैं, पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, कॉलोनीज खरीद ली, कंपनियां खरीद ली, होटल्स खरीद लिए, बिजनेस कोई नहीं चल रहा खरीद लिया, मतलब बहुत सारा पैसा। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एक आध प्लॉट ले लिया, वो नहीं। तो ये इन्वेस्टर बन जाते हैं और फिर वो और इनकम बना के देता है। तो राइट साइड के लोग एक टाइम तक इनकम बनाते हैं, कुछ समय तक काम करते हैं, 5-7 साल काम किया, सिस्टम खड़ा कर देते हैं, फिर वो इनकम आती रहती है, वो फ्लो बना रहता है और वो इनकम बढ़ती रहती है, ठीक है। और ये टेंशन फ्री रिच हो जाते हैं। ये चीज आज समझ नहीं है, टेंशन फ्री रिच कैसा हुआ, ठीक है, क्योंकि इनका सिस्टम अपने आप ऑटोमेटिकली काम करता है, राइट। तो लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब हम एक मिनट होल्ड करिए प्लीज, मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, लेट्स मूव टू द या कि अगर आपको मौका मिले, आपका अपना जॉब छोड़े बगैर, अपना बिजनेस छोड़े बगैर, आपको एक्स्ट्रा टाइम में अगर बिजनेस करने का मौका मिले, तो कितने लोग हैं जो लेफ्ट साइड से राइट साइड पे आना चाहेंगे, है ना, और एक शानदार जिंदगी लेना चाहेंगे जहां पे पैसा भी ज्यादा हो, टाइम भी ज्यादा हो, और अपनी मर्जी से जिंदगी जी सके, है ना। तो आप मैसेज डालिए कितने लोग राइट साइड पे आना चाहेंगे। और दूसरा ध्यान से देखिए रेड कॉलम है, ज्यादा लोग क्यों नहीं जिंदगी में कामयाब होते, पता क्यों है, इंप्लॉयज एंड सेल्फ इंपैक्ट बहुत बार ये सीखने को तैयार नहीं होते, ये सुनने को तैयार नहीं होते, इनको लगता है मुझे सब मालूम है, क्योंकि ज्यादा पढ़े लिखे लेफ्ट साइड पे लोग हैं। राइट साइड पे आपको बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं मिलेंगे, लेकिन दुनिया की सबसे ज्यादा वेल्थ इनके पास है, अच्छे इंप्लॉयज इनके लिए काम कर रहे हैं, है ना। तो विलिंग टू लिसन, ये चेंज होने को तैयार नहीं होते, है ना, लेकिन राइट साइड के लोग सीखने को तैयार होते हैं, सुनने को तैयार होते हैं, बदलने को तैयार होते हैं, राइट, दैट इज व्हाई दे ग्रो। तो क्या आप राइट साइड पे आना चाहते हैं, कितने लोग आना चाहते हैं, तो आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं, राइट, लेट मी सी योर मैसेजेस। ओके, आगे चलते हैं। अब ये एक बिलियनर हुए अरबपति जे पॉल गेटी, और इन्होंने बोला ये 5 सिद्धांत चाहिए आपको कामयाब होने के लिए, ठीक है। पहला है बड़ा सोचिए, क्योंकि बड़ा सोचेंगे तो बड़ा पाएंगे, है ना, जो कोई छोटा सोचता वो तो आगे निकल नहीं सकता। अपना बिजनेस करिए, है ना, ये हम पहले बात कर चुके हैं, क्योंकि अपने बिजनेस में क्या होगा, आपका अनलिमिटेड पोटेंशियल हो सकता है, जितना मर्जी इसको ग्रो कर लीजिए, ठीक है। और ये बिजनेस डेली कंज्यूमेबल आइटम का, ये इंसान बोल रहा है जे पॉल गेटी। आज देखिए कोविड में ये प्रूव हो चुका है, जितने भी स्टोर हैं जहां पे आप डेली कंज्यूमेबल आइटम लेने जा रहे हो चल रहे हैं, या फिर हेल्थ का चल रहा है काम,
है ना, जब जो आपको जरूरत है, कोई प्रॉब्लम है, फिजिकल प्रॉब्लम है, हेल्थ प्रॉब्लम है, तो आप जाते हो। तो डेली इकोनॉमिकल आइटम और हेल्थ, ये दो, हेल्थ के बारे में तो हम पहले ही बात कर चुके हैं, अगली ट्रिलियन डॉलर इंडस्ट्री होने वाली, तो इसमें कभी रिसेशन नहीं होगा, आपका धंधा कभी बंद नहीं होगा। और चौथी बात है वो कई जगह से आए, एक जगह से ना आए। नॉर्मली वी हैव वन और टू सोर्सेज, दैट्स इट। बट आज आपको दिखाएंगे कैसे आपका पूरे आपके स्टेट में बिजनेस हो सकता है, पूरे इंडिया में बिजनेस हो सकता है, इवन इंडिया के बाहर हो सकता है, आपके कई सोर्सेज ऑफ इनकम होंगे। तो कहता है डाइवर्सिफाई करो। लास्ट प्रिंसिपल है लेवरेज करो, ज्यादा हाथों के साथ काम करो, क्योंकि वर्किंग हैंड ज्यादा होंगे ज्यादा टर्नओवर होगा, अकेला आदमी शो नहीं रन कर सकता बड़ा बड़ा, राइट। तो लेट्स मूव फॉरवर्ड, ये पांच सिद्धांत काम कैसे करते हैं, आइए देखते हैं जो लोग बड़े वेल्दी हैं और जो लोग सिस्टम क्रिएट करते हैं वो क्या करते हैं। लेट्स मूव फॉरवर्ड। देखिए यहां पे देखा है कि सिस्टम वेल्दी लोग कंपाउंड कैसे करते हैं, कंपाउंड मतलब समय मल्टीप्लाई हो जाते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं, आप इसको पिंच करके छोटा भी कर सकते हैं। देखिए एमबीबीएस डॉक्टर, एक एग्जाम्पल लेते हैं, दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल, यू नो ये वेरी कर सकता है इनकम वगैरह। मान लो 10 घंटे काम कर रहे हैं और 200 रुपए घंटे का कमाते हैं, ये जस्ट एग्जाम्पल है, कोई 500 भी कमाता है 200, मैंने एग्जाम्पल लिया, तो दिन का 2000 बन गया, यानी कि महीने का 60,000 बन गया अगर वो 30 दिन काम कर रहे हैं। दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल, इट कुड वेरी एंड इट कुड बी बिगर, इट कुड बी लेसर। अभी वही एमएस डॉक्टर बन गए, मतलब उन्होंने स्किल हासिल कर लिए, एमडी भी कर लिया, एमएस भी कर लिया, बहुत स्किलफुल हो गए, स्टाफ भी हायर कर लिया, है ना। अब वो 10 घंटे वो भी काम कर रहे हैं लेकिन 700 रुपए घंटे का कमाते हैं, ये एक एग्जांपल है, इट कुड बी मोर और लेस। तो कितना हो गया रोज का 7,000, तो महीने का कितना हो गया 2,00,000। नाउ लुक एट द डिफरेंस। बट ध्यान से नोट करिए दोस्तों, अगर ये दोनों डॉक्टर्स में से कोई भी सुबह नहीं जाएगा तो क्या ये इनकम बनेगी? नहीं बनेगी। ये सभी प्रोफेशन के साथ होता है, ये जस्ट एग्जाम्पल है डॉक्टर्स के लिए भी, इट हैपन्स विद एवरी प्रोफेशन। तो टाइम बंद है तो पैसा बंद है, और हमारे स्किल भी वहां पे। मान लो एक डॉक्टर है, उसका उंगली को कुछ हो गया तो ऑपरेशन नहीं कर पाएगा। मान लो एक पायलट है, उसकी आंख को कुछ हो गया, मे बी ही विल लूज हिज जॉब, है ना। तो जब तक हमारा एबिलिटी काम करने का है या स्किल्ड है, तब तक वो हमारा काम है। अगर मैं ही बेड रिडन हूं, मैं जॉब पे नहीं जा रहा या अपने प्रोफेशन में नहीं जा रहा, तो पैसे कैसे आएगा? तो दिस इज टेम्पररी इनकम, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, ये इनकम पर डे की लाखों में नहीं जा सकती, या इससे बहुत ज्यादा नहीं जा सकती। आगे चलते हैं। अभी जो बड़ा पैसा बना रहे हैं, बड़े सिस्टम क्रिएट कर रहे हैं, वो क्या करते हैं? यहाँ पे एक और एग्जांपल लेते हैं इस स्लाइड से पहले, है ना। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, लेट्स टेक एन एग्जांपल, ये स्लाइड को ऊपर करेंगे थोड़ा। तो यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, अगर बाटा, आप एग्जांपल लेते हैं, अब नहीं भी स्लाइड देख रहे कोई बात नहीं, लेट्स से बाटा 10 घंटे लगाता है और एक घंटा का मान लो वो सिर्फ 100 रुपए बनाता है, अगेन मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है। और उसके 1,000 आउटलेट है, अब आउटलेट बढ़ गए, वर्किंग हैंड बढ़ गए, उसने ज्यादा लोगों को दे दिया कि तुम डिस्ट्रीब्यूशन ले लो, तुम भी बाटा का सामान बेचो, और 1,000 आउटलेट हो गए। अब कितना पैसा बनेगा? रोज का 10,00,000। देखिए कहां 2,000, कहां 7,000, और कहां 10,00,000 हो गया एक दिन का। और अगर मैकडॉनल्ड का एग्जाम्पल लो, है ना, ये देख रहे हैं हम एग्जाम्पल, मैकडॉनल्ड 10 घंटे काम कर रहा है, मान लो 1,000 घंटे के ले रहा है, सिर्फ 1,000 इनकम बना रहा है, पूरे वर्ल्ड में है मैकडॉनल्ड्स, मैं एक छोटी सी एग्जाम्पल, 1,000 घंटे का बना रहा है और उसके 40,000 आउटलेट आज, 40,000 लोगों को उसने ये अपना बिजनेस एक्सपेंड कर दिया, 40,000 लोग ये काम कर रहे हैं उसके लिए, वो भी पैसा कमा रहे हैं 40,000 लोग, लेकिन उसको हर जगह से इनकम आ रही है, कुछ परसेंटेज आ रहा है। तो अगर मल्टीप्लाई करोगे तो ये 40 करोड़ रोज का हो गया दोस्तों। दिस इज अमेजिंग। ये यूनिवर्सिटी कॉलेज में नहीं पढ़ाया जाता। जब मैंने ये देखा था तो मैं तो हैरान हो गया था, उस दिन मुझे नींद नहीं आई, हम कर क्या रहे हैं? हम रोज का 1,000, 2,000, 5,000, 10,000 ये बना लेंगे ना ज्यादा से ज्यादा, इस तरह की इनकम तो नहीं कभी बना सकते। तो आओ देखते हैं हम इस तरह का बिजनेस कैसे कर सकते हैं। तो हम ऐसा ही बिजनेस कर रहे हैं जहां पे हमारे आउटलेट ज्यादा होंगे, हम दूसरों को डिस्ट्रीब्यूशन दे सकते हैं और वो भी आगे डिस्ट्रीब्यूशन दे सकते हैं। तो अनलिमिटेड, वो मतलब sort of बहुत बड़े लेवल पे इसको पैमाने पे भी लेके जा सकते हो। आप चाहो तो इस बिजनेस से 10,000 कमा लो, आप चाहो तो 10,00,000 कमा लो मंथली, ठीक है ना। तो आप बहुत बड़े पैमाने पे इसको लेके जा सकते हो। आगे चलते हैं, अब हम देखते हैं ये पैसा आएगा कहां से दोस्तों, राइट। अब हमारे क्वेश्चन होगा कि इतना पैसा आएगा कहां से, तो देखते हैं मॉडल पहले क्या चलता था, है ना। 80s से पहले, 80s में मैन्युफैक्चरिंग युग था, और मैन्युफैक्चरिंग में जब युग आया तो टेक्नोलॉजी बढ़ गया, राइट, एडवांसमेंट हो गया, राइट, ऑटोमेशन हो गया, बहुत बड़ी बड़ी लग गई, मशीन्स लग गई, और प्रोडक्ट बहुत सस्ता बनने लग गया, क्योंकि पहले इतनी अच्छी मशीन्स नहीं होती थी। तो मैन्युफैक्चरिंग युग में क्या हुआ, और आप देख रहे हैं बीच में चेन है पूरी, और राइट साइड पे कस्टमर है।
तो 20-40% मैन्युफैक्चरर का खर्चा होता है बनाने का, तो कस्टमर के आते आते वो प्राइस बढ़ के 100% तक पहुंच गई। एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो मैन्युफैक्चरर ने 20 रुपए की चीज बनाई और 20 रुपए मान लो उसने प्रॉफिट रखा, तो 40 रुपए की चीज चली। अभी स्टॉकिस्ट है वो पहले स्टॉकिस्ट को देगा, स्टॉकिस्ट होलसेलर को देगा, है ना। स्टॉकिस्ट होते हैं जो पूरे सिटी का या स्टेट का वो होल्ड कर लेते हैं, ये कौन लोग होते हैं जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा है, है ना। और होलसेलर क्या है, जैसे आप देखते हैं कि भाई आप फ्रिज लेने जाते हैं तो गोदाम में उसके 100-200 फ्रिज पड़े हुए हैं, तो दैट्स लाइक अ होलसेलर। और फिर रिटेलर जो छोटा छोटा काम करते हैं, ठीक है। तो ये सभी ने प्रॉफिट कमाना, सभी ने पैसा लगाना, तो वो बढ़ता जाता है, प्राइस बढ़ती जा रही है, और कस्टमर का आते आते वो 40 रुपए वाली चीज जो मैन्युफैक्चर से चली थी 100 रुपए की होगी। तो दोस्तों 60% कहाँ गया, एंड ऑब्वियसली एडवर्टाइजमेंट वाला भी कमाएगा, तो 60% जो है बीच में चले गया। ये किसका पैसा है, आप ही का तो पैसा है, आपका हार्ड अर्न मनी। आप सुबह उठते हो जो भी काम कर रहे हो, बाद में आपको नहाना धोना ब्रश पेस्ट डेली की नॉर्मल आइटम चाहिए, हेल्थ चाहिए, जूता चाहिए, वट एवर यू वॉन्ट, आप मार्केट में जा रहे हो और मार्केट में 60% आपका हार्ड अर्न मनी वहां पे जा रहा है, आप ही के पैसे से कोई और पैसा कमा। लेकिन स्मार्ट वर्क किसको बोलते हैं, जैसे वो 5% स्मार्ट वर्क कर रहे हैं, स्मार्ट वर्क होता है मैं अपने आप को अवेयर कर लूं, मैं जाग जाऊं कि यार मैं अगर अपने पैसे से मैं खुद क्यों नहीं कमा सकता, मैं थोड़ा सा अपना सोच का एंगल बदलूं, मैं स्मार्ट तरीके से काम क्यों ना करूं, दुनिया बदल रही है, मैं क्यों नहीं काम कर सकता, मैं क्यों नहीं आगे बढ़ सकता। तो कुछ लोगों ने ऐसा ही सोचा। सेकंड मॉडल देखिए, उन्होंने क्या किया, उन्होंने सोचा बीच वाले लोग काफी प्रॉफिट ले रहे हैं, इनको क्यों ना हटा दें। तो मॉल का कॉन्सेप्ट आ गया, मॉल वाले ने मैन्युफैक्चरर से सीधा जुड़ लिया, उन्होंने बीच वाले लोग निकाल दिए, अब इनका मार्जिन और बढ़ गया मॉल वाले का। तो वो क्या करता है, जो मार्जिन यहाँ पे बीच वाले लोगों को जा रहा था, थोड़ा सा डिस्काउंट आपको दे देता है। तो कस्टमर क्या, थोड़ा डिस्काउंट लेके हैप्पी हो जाता है, थोड़े पॉइंट्स लेके हैप्पी हो जाता है। लेकिन क्या कभी कस्टमर की जेब में पैसा आया, नेवर। कस्टमर तो हमेशा उसकी जेब में पैसा जाता ही है, आता नहीं है, राइट। तो अब मॉल वाले अमीर होने शुरू हो गए। अभी आपने देखा होगा बहुत सारे मॉल्स भी बंद हो रहे हैं, क्योंकि मॉल डालने में एक मेजर चैलेंज है, ह्यूज कैपिटल इज रिक्वायर्ड, कैपिटल बहुत ज्यादा है। आपने देखा होगा कोरोना में ऑटोमेटिकली मॉल बंद हो गए, तो ये इसका मतलब क्या है, ये मॉडल में कहीं फेलियर है दोस्तों। इसीलिए मैं बोल रहा था लेटेस्ट ट्रेंड्स क्या दुनिया में आ रहे, देखिए आज हम वो ट्रेंड देखने जा रहे हैं जहां पे आपका पैसा नहीं लगा होगा लेकिन आपकी सेल करोड़ों में हो सकती है और आप बहुत इनकम बना रहे होगा। अगर आपका पैसा नहीं लगा तो आपको टेंशन किस बात की है, चाहे कोरोना आए या कोई भी मॉल आ जाए। तो यहाँ पे ये देखिए, ये मॉल आज बंद पड़े हैं इसीलिए सेल गिर गया, क्योंकि वो जब आपने देखा होगा बिल्कुल बंद हुआ था तो कोई जा नहीं रहा था बाहर, है ना। तो अब थर्ड मॉडल देखिए, लेटेस्ट ट्रेंड क्या है जिसके बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं, फ्यूचर बिजनेस मॉडल। यहाँ पे क्या हो गया, कस्टमर भी पैसा बनाता है। कैसे, एक तो वो यूज करके भी पैसा बना रहा है। कैसे बना रहा है, वो सीधा मैन्युफैक्चरर से जुड़ जाता है, वो यूज करके भी पैसा बना रहा है, उसको डिस्काउंट हैवी मिलता है। मतलब नॉर्मल वो पॉइंट्स वाला नहीं आता, कुछ नहीं है वहां पे, वो तो थैंक यू कार्ड भी नहीं आता वहां पे, आप 30 साल से चीजें ले रहे होंगे। लेकिन यहाँ पे रियल कैश आपके अकाउंट में आता है क्योंकि आपने प्रेफर किया मैन्युफैक्चरर से सीधा जोड़ने का। सेकंड, आप कस्टमर्स बना सकते हैं, जितने मर्जी एक्स्ट्रा पैसे बना सकते हैं, 5,000, 10,000, 20,000 घर बैठे। और तीसरा, आप एक बड़ा बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया था बाटा, मैकडॉनल्ड्स, उबर, टाटा, सब लोग क्या कर रहे हैं, वो डिस्ट्रीब्यूशन दे रहे हैं। तो देखिए, इस मॉडल में कोई ज्योग्राफिकल लिमिट नहीं होगा, पूरे इंडिया में बिजनेस कर सकते हैं आप पूरी, और आपको कोई लाइसेंस नहीं लेना, कोई वैट नंबर नहीं, कोई टिन नंबर नहीं, वो ऑलरेडी लिया हुआ है, यहाँ पे सब कुछ किया हुआ है, ऑल द नेसेसिटीज एंड ऑल द लीगल इंप्लीकेशंस हैव बीन टेकन केयर ऑफ। किसी ने डाला वॉइस नहीं आ रहा है, प्लीज एम आई ऑडिबल? यस सर। ओके, सो सर आप अपना जरा प्लीज चेक करिए इंटरनेट। ओके, कस्टमर यहाँ पे बिजनेस ओनर बन गया, कितनी बड़ी बात है, नॉर्मली कस्टमर कभी भी पैसा नहीं बनाता। थर्ड, यहाँ पे बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं, आपने कोई शॉप नहीं डाला, कोई शोरूम नहीं रखा, कोई एम्प्लॉयज नहीं रखा, कोई स्टॉक्स नहीं डाले, लेकिन स्टिल हाँ आप मेहनत करेंगे। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कोई गेट रिच फ्री है, यहाँ पे मेहनत करना पड़ेगा बिजनेसमैन की तरह, जैसे कोई शोरूम खोलता है मेहनत करता है 10 घंटे, लेकिन यहाँ पे आप जॉब के साथ साथ 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे जितना भी एक्स्ट्रा टाइम है वो डाल सकते हो। लेकिन क्योंकि आप स्मार्ट तरीके से काम कर रहे हो, आप अपने वर्किंग हैंड बढ़ाने जा रहे हो, आप अपना टाइम कंपाउंड करने जा रहे हो, इसलिए यहाँ पे इनकम जल्दी मल्टीप्लाई होती है, है ना। अब कई लोगों को ये समझ ही नहीं आता, क्यों नहीं आता जानते हो? अच्छा देखिए, क्या अमेजोन के कितनी शॉप्स हैं यहाँ पे, हाउ मेनी शॉप्स डज अमेजोन हैव, कितने स्टोर्स हैं उनके बड़े बड़े? नन। बट वो ऑनलाइन बिजनेस कर रहा है और अरबों खरबों रुपए का बिजनेस कर रहा है, वो मैन्युफैक्चरर से सीधा टाई अप कर रहा है। लेकिन अमेजोन से खरीदने पे आपको पैसा नहीं आने वाला। बट मैंने ये बताया है, ये हमें माइंडसेट बदलना पड़ेगा। हमारे माइंड में ये घुसा हुआ, जब तक मैं फिजिकल शोरूम ना डालूं मेरा बिजनेस नहीं हो सकता,
नो दोस्तों, सोशल मीडिया पूरा वर्ल्ड है, पूरा वर्ल्ड। आप अकेला यहाँ पे क्यों बेचना चाहते हो? फिजिकली सिर्फ अपने एरिया में क्यों बेचना चाहते हो? आप पूरी वर्ल्ड में क्यों नहीं बेचना चाहते? पूरे इंडिया में क्यों नहीं बेचना चाहते? है ना? तो थिंक अबाउट दैट, दैट्स व्हाई हमने बात किया था, लेटेस्ट ट्रेंड देखने जा रहे हो। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड, आपको यहाँ से पैसा कैसे आ सकता है? तो क्या आपको समझ में आया बात कि आप सीधा जुड़ रहे हो और आपको वो डिस्ट्रीब्यूशन मिल रहा है और पैसा यहाँ पे लगा हुआ है, राइट? और एक और बात है, यहाँ पे बाद में बात करेंगे, यहाँ पे मेंटरशिप प्रोग्राम भी है, आपको गाइड किया जाएगा बिजनेस कैसे करते हैं, चाहे आपने कभी भी बिजनेस नहीं किया। अभी हम देखते हैं पैसा आएगा कैसे। तो लेट्स सी द कंपनसेशन स्ट्रक्चर फर्स्ट। पहला रिटेल मार्जिन है 4-10%, यानी कि आप कुछ भी परचेज करेंगे बीइंग ए कस्टमर आपको एक नंबर मिलेगा, और सीधा परचेज करेंगे लिटरली 4-10% लेस मिलेगा आपको। आपको बैग नहीं करना पड़ेगा किसी, तो ये बहुत बढ़िया बात है, लेस मिल रहा है। तो यानी कि अगर आप कस्टमर बनाएंगे ये प्रॉफिट आपका है ना, और उसमें अगर कुछ डिस्काउंट करते हैं वो आपकी चॉइस है, लेकिन अगर आप कस्टमर को एमआरपी पे देते हो तो ये प्रॉफिट आपका है। सेकंड, ट्रेड मार्जिन 8-10%, ये आपके अकाउंट में आता है दोस्तों। ऐसा कभी हुआ? यानी कि अगर आपने 5,000 का सामान लिया तो अगर 8% भी लगाएं तो लगभग मतलब 5,000 विदाउट टैक्स बोल रहा हूं मैं, तो 400 रुपए आपके अकाउंट में आ गए। 10,000 खरीदा तो 800 रुपए अकाउंट में आ गया, कभी हुआ आज तक दोस्तों? सो थिंक अबाउट दिस इज अ स्मार्ट वे ऑफ डूइंग बिजनेस। तो आपको ट्रेड मार्जिन 8-10% मिल रहा है। आगे चलते हैं, परफॉर्मेंस बोनस 3-21%। अगर आप परफॉर्म करते हैं, बिजनेस करते हैं, कुछ कस्टमर्स बनाते हैं या डिस्ट्रीब्यूशन देते हैं तो आपको 3-21% और मार्जिन मिलेगा। देन यू हैव लीडरशिप बोनस। जैसे बाटा किसी को डिस्ट्रीब्यूशन देता है तो कोई मार्जिन सेट कर लेता है कि भाई तुम्हारे इतने पैसे, मेरे इतने पैसे, है ना। टाटा की आप कार की एजेंसी लेते हो तो पहले बात तो एजेंसी आप तभी ले पाओगे अगर आपके पास करोड़ों रुपए है, तो वो कुछ मार्जिन सेट करेगा, भाई मेरे इतने आपके इतने। तो यहाँ पे आपको 6% रॉयल्टी मिलेगा जब आप किसी लीडर को डेवलप करोगे, किसी को बिजनेस करना सिखा दोगे। और ऐसी और इनकम है 7 तरह की। चलिए आगे चलते हैं हम, लेट्स मूव फॉरवर्ड। ओके, तो ये एक एफर्ट बेस्ड इनकम है। एफर्ट बेस्ड मतलब जितना आप काम करोगे, जितना आप लीडर खड़े करते जाओगे, उतना आपका इनकम बढ़ता जाएगा, आप दूसरों का भी फायदा करोगे। तो अब लास्ट स्टेप पे चलते हैं। यहाँ पे आप सेंटर में आप अपने आप को देखिए कि आप यहाँ पे हैं। यहाँ पे एक पावरफुल सिस्टम मिलेगा आपको, ब्रिट वर्ल्ड वाइड सिस्टम। इट्स ए वेरी वेरी पावरफुल सिस्टम, बल्कि अगर आप यहाँ पे तो वी कैन ऑल क्लैप फॉर दिस, यू नो। ये ऐसा सिस्टम है जो दुनिया में बहुत सारे लोगों को सिखा रहा है कामयाबी, ठीक है। यहाँ पे सीडीज हैं कामयाब लोगों की, ठीक है। मैं आपको शायद बाद में दिखाऊंगा, अभी भी मैं आपको दिखा सकता हूँ, लोगों की सीडीज है। सी, ये बाद में मैं फुल पिक्चर में दिखाऊंगा। ये डॉक्टर है, ये बिजनेस को कर रहे हैं, और साथ में जो है वो एक प्रोफेसर है, सोचिए। और इसमें से आज लाखों रुपए बना रहे हैं। ये जॉब करते थे दिल्ली में, आज बहुत अच्छा लाइफ स्टाइल ले रहे हैं। ये इंजीनियर थे, ठीक है ना। और इसी तरह है ना, ये IIT से पढ़े हुए हैं। और ऐसे ऐसे लोग भी हैं जो बस कंडक्टर थे, या कोई बहुत सिंपल बड़े गरीब फैमिली से भी लोग हैं जो आज इसमें से बहुत ज्यादा पैसा कमा रहे हैं। अनएजुकेटेड लोग भी हैं, किसान भी हैं, सब तरह के लोग। लेफ्ट साइड पे एक और पावर है जो आपको हेल्प करेगी, वो है सर्विसिंग कॉर्पोरेशन, जिसके बारे में मैंने पूरा हिस्ट्री बताया था। बहुत बड़ा 108 कंट्रीज में बिजनेस, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप है। तो ये आपको हेल्प ये भी करते हैं, ये ट्रेनिंग्स लाते हैं फ्री की, यहाँ पे आपको स्टाफ हेल्प करता है, ऑफिसेज मेंटेन करते हैं, ये वेबसाइट मेंटेन करते हैं, बहुत खूबसूरत वेबसाइट है, वेबसाइट से भी बहुत कुछ लर्न कर सकते हैं। एप्लीकेशन है जहाँ पे आप वीडियोज देख सकते हैं प्रोडक्ट्स की, लर्न कर सकते हैं। और आपके पीछे टीम और मेंटर होगा, ये बहुत बड़ी बात है। मुझे नहीं लोगों से बात करना आता था, मैं बड़ा शाही था, मेरे वाइफ को बात नहीं करना आता था, हमें कभी बिजनेस नहीं किया था, लेकिन आज बहुत बड़ा बिजनेस कर रहे हैं पूरे इंडिया में, इंडिया के बाहर भी कर रहे हैं। तो क्या हुआ, यहाँ पे टीम एंड मेंटरशिप प्रोग्राम था ना, इसने हमें हेल्प किया। हमने सीरीज से सीखा, यहाँ पे बुक्स हैं वहां से सीखा, और यहाँ पे आपको टीम मिलती है जो आपको मदद करती है। जैसे आपको किसी ने इनवाइट किया है, वो शायद ऑलरेडी ये बिजनेस कर रहे होंगे, और उनके पीछे टीम है कामयाब लोगों की। और इस टीम को आप अभी देखोगे, इस तुरंत ये जब मैं सेशन खत्म करूंगा, आपको मिलाया जाएगा कामयाब लोगों से। और दोस्तों, बाहर मार्केट में कोई नहीं सिखाता जिस लेवल पे वो है, वो आपको कभी गाइड नहीं करेगा आप यहाँ पे कैसे आ सकते हैं। तो हैट्स ऑफ टू दिस सिस्टम, यहाँ पे ये तीनों पावर्स आपको बहुत जबरदस्त मदद करती है। सिर्फ और सिर्फ आपको बदलना होगा, आपको अपना जॉब मेंटेलिटी को धीरे धीरे बदलना होगा बिजनेस मेंटेलिटी। पहले मेरा भी जॉब मेंटेलिटी था, धीरे धीरे टाइम लगता है, तो इसको बदलोगे, जितनी जल्दी बदलोगे उतनी जल्दी ग्रो कर जाओगे। अभी हम देखते हैं पैसा कैसे आएगा। तो अभी अगर बड़ा बिजनेस करना है तो हमें डिस्ट्रीब्यूशन देना, लेकिन उसके बगैर भी हम पैसा बना सकते हैं। तो अगर हम सीधा कस्टमर बना, सीधा यूज कर रहे हैं, मैंने अभी एग्जांपल दिया 5,000 का यूज किया तो आपको पैसा बच रहा है। प्रोडक्ट बहुत बढ़िया है,
वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट है और सब कुछ मेड इन इंडिया है, लेकिन जो जापान में स्टैंडर्ड है, जो अमेरिका में स्टैंडर्ड है, वही स्टैंडर्ड का यहाँ पे मिले। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है और मनी बैक गारंटी है। दोस्तों मनी बैक गारंटी बहुत बड़ी बात है, यानी कि आपको चीज पसंद नहीं आई बाय चांस, आपको कुछ नहीं समझ में आया, आप प्रोडक्ट रिटर्न कर सकते हैं और पूरा पैसा वापस ले सकते हैं। सिर्फ आपका टैक्स काटा जाएगा, ठीक है, जो गवर्नमेंट को चले जाता है, बाकी आप एक महीने के अंदर अंदर वो पूरा पैसा ले सकते हैं। इससे बढ़िया प्रमाण क्या हो सकता है कि ये बिजनेस मॉडल कितना जबरदस्त है, कोई भी दुनिया में ऐसा नहीं आपको मिलेगा। खुला हुआ बॉटल कोई वापस नहीं लेता दोस्तों, यहाँ पे वो भी लिया जाएगा। तो यू आर इन सेफ हैंड। अब आप और ये बिजनेस आप गर्व से कर सकते हो, ठीक है। तो दूसरा काम है, मैंने बताया था, आप कस्टमर्स बना सकते हो, आपके घर से आपके वाइफ आप लोग मिलके 15-20 कस्टमर बना सकते हो, वहां से भी आपको एक्स्ट्रा पैसा आएगा, है ना। और इतने प्रोडक्ट शानदार है, आज घर घर में लोग फिट नहीं है या कुछ प्रॉब्लम है तो आप ठीक उनको फिट कर सकते हो, या फिर सप्लीमेंट्स हैं। दूसरा ब्यूटी, वो स्किन केयर बढ़िया कर सकते हैं, कंज्यूमेबल डेली कंज्यूमेबल आइटम ऐसे हैं जिसमें केमिकल नहीं है, है ना, तो यूज करने में भी बढ़िया है, क्वालिटी प्रोडक्ट है, रिजल्ट भी बहुत जबरदस्त है, पर इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे थोड़ा। दोस्तों बड़ा बिजनेस करना है, अगर बड़ा इनकम बनाना है, तो मान लो ये 10 लोग हैं, आपने कुछ लिस्ट बनाया 50-100 लोगों का, और ये 10 लोग आपके साथ बिजनेस कर रहे हैं, वो भी चाहते हैं हम अपने एक्स्ट्रा टाइम में या पार्ट टाइम में कुछ यार इनकम को बढ़ाएं। मैंने एक कोट पढ़ा था एक मिलियनेयर का, वो बोलते हैं अगर आप सिर्फ जॉब पे है ना तो आप जल्दी करके होने वाले, क्योंकि देखिए, और ये मैंने नहीं बोला दोस्तों, उसने बोला है कि आपका सेकंड थर्ड सोर्स जरूर होना चाहिए कुछ इनकम। देखिए आज मान लो पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है, दालों का दाम बढ़ गया, सब्जियों का दाम बढ़ गया, आपने देखा क्या आपकी सैलरी बढ़ी है? अगर सेम सैलरी है तो आपकी सेम सैलरी नहीं आ रही, आपकी सैलरी कम हो गई एक तरीके से, क्योंकि यू आर पेइंग मोर फॉर दोस प्रोडक्ट्स, है ना। तो यहाँ पे मान लो ये 10 लोग हैं, ये भी बिजनेस करने लगे और ये आपके साथ पार्टनर बन गए, आपको इनको नंबर मिलेगा, जो नंबर आपके साथ जुड़ा होगा डिस्ट्रीब्यूशन, और आप क्या करोगे, इनको सिखाओगे। मतलब ये कोई गेट क्विक रिच नहीं है कि इनको साइन किया अपने आप पैसे आने शुरू हो जाएंगे, नो। जैसे एक बाटा दूसरे को सिखाता है, उबर को उसको बताता है टैक्सी का बिजनेस कैसे करना है, ऐसे हम इनको सिखाएंगे। तो ये भी सर्विसिंग कॉर्पोरेशन से सीधा प्रोडक्ट ले रहे हैं, इनको राइट मिल गया सीधा फैक्ट्री के साथ जुड़ने का, तो इनको भी वो लेस मिलेगा जो मैंने आपको बताया। ये भी कस्टमर बना सकते हैं और ये ADR बन जाते हैं। ADR को कस्टमर बनाने का राइट है, लेकिन बिजनेस करने का राइट नहीं। अगर बिजनेस करना है तो उसको छोटा सा बिजनेस करना होगा, है ना, वो आपको जिन्होंने बुलाया वो बुलाएं बताएंगे, यूज करना शुरू करना होगा, तो फिर वो आगे साइन कर सकते हैं किसी को, ठीक है, वो फॉर्मेलिटी आप अपने जिन्होंने आपको बुलाया वो बताएंगे। मान लो अब हम एग्जांपल को स्टेप वन को देखते हैं, आपने खुद यूज करना शुरू किया और कुछ कस्टमर बनाए और आपका 20,000 का बिजनेस हुआ। आज नॉर्मली 5,000 का बिजनेस, 5,000 या 10,000 का प्रोडक्ट लोग घर में ले ही लेते हैं, किसी को 5,000 का चाहिए अकॉर्डिंग टू योर नीड, किसी को 10,000 चाहिए, किसी का जॉइंट फैमिली या इससे भी ज्यादा चाहिए हो सकता है। तो 20,000 का महीने में बिजनेस करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, एक छोटा सा रेडी वाला भी कर लेता है इससे ज्यादा, तो एक बहुत छोटा एग्जांपल है। मान लो 10 लोग हैं और एक आप 11 फैमिली, दो दो घंटे काम कर रहे हैं, तो कितने घंटे काम हो गया, 22 घंटे आपके आवर बढ़ने शुरू हो गए। देखिए हमने टाइम कंपाउंडिंग की बात की, तो और ये 10 फैमिली भी मान लो 10,000 का सिर्फ महीने का बिजनेस कर रहे हैं, 10,000 तो घर में यूज हो सकता है दोस्तों, नहीं भी यूज होता नो इशू, थोड़े कस्टमर बना सकते हैं, तो 1,00,000 का टोटल टर्नओवर हो गया महीने का, और आपका टर्नओवर और 1,00,000 का टीम का टर्नओवर डाल के 1,20,000 हो गया, आपकी अप्रोक्सीमेट इनकम 6,000 से 8,000 होगी। इज इट गुड? वेरी गुड। आपने जॉब छोड़ा? नहीं। आपने कोई पहला काम छोड़ा? नहीं। आप एक्स्ट्रा टाइम को यूज करके 6,000-8,000 और बना रहे, क्या कर सकते हो, छोटे मोटे काम होने शुरू, आपका राशन घर में ज्यादा आ सकता है, आप फोन का बिल दे सकते हो, दूध का बिल दे सकते हो, छोटी मोटी फीस दे सकते हो, है ना, आप बेटर शॉपिंग कर सकते हो, थोड़ा ड्रीम और अचीव होने शुरू। याद है हमने बात किया कहां से शुरू की थी, इनकम बढ़ेगी तो ड्रीम पूरे होंगे। अब आप ये फर्स्ट 1-2 महीने में ये होना शुरू हो गया, अब हम आगे चलते हैं। मान लो ये 10 फैमिलीज को बिजनेस करना आ गया, आपने इनको हेल्प किया और ये 40,000 का टर्नओवर करने लगे, जैसे हम तो 1,20,000 का कर रहे हैं, मान लो छोटा सा टर्नओवर ये 40,000 का करने लगे, इनके भी कस्टमर हैं या डिस्ट्रीब्यूटर हैं, तो 10 फैमिलीज में 4,00,000 का टर्नओवर कर दिया, 40,000 का 10 फैमिली में किया तो 4,00,000 हो गया। दोस्तों बधाई हो, आप ब्रॉन्ज पिन पे पहुंच गए, यहाँ पे आपका नाम छपता है, इंटरनेट पे नाम आता है, मैगजीन में नाम छपता है, और यहाँ पे आपको ब्रॉन्ज पिन सेलिब्रेट किया जाता है जबरदस्त तरीके से, और आपकी इनकम लगभग 30,000 से 40,000 होती है। आई थिंक दिस इज प्रिटी वेल। कई लोग इसको 3 महीने में, कोई 6 महीने में, कोई 12 महीने में भी कर रहे हैं, मैं कहता हूँ 1 साल में भी आप 30,000 से 40,000 से पहुंच गए, एक्स्ट्रा इनकम है, लाइफ कितनी खूबसूरत हो जाएगी, पहले से बेटर हो जाएगी। चलिए आगे चलते हैं। अभी यही 10 फैमिलीज ने
मान लो एक एक लाख का बिजनेस कर दिया तो आपका टर्नओवर 10 लाख हो गया, बधाई हो, आप सिल्वर हो गए। फ्रेंड्स, ये लेवल पे आपको और रिकॉग्निशन मिलता है और आपकी अप्रोक्सीमेट इनकम 70-80 हजार से लेके 1-1.25 लाख तक जा सकती है, डिपेंडिंग ऑन योर स्ट्रक्चर, कितना बढ़िया आप स्ट्रक्चर है, किस तरह से बात कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो 70-80 थाउजेंड से लेके 1-1.25 लाख तक इनकम दे रही है, मैंने अप्रोक्सीमेट 1 लाख लिया है, और यहाँ पे आपको 35% ना एक्स्ट्रा मिल रहा है। या जब आप 15% लेवल क्रॉस कर जाते हैं, ब्रॉन्ज पॉइंट यहाँ से ही शुरू हो जाता है, अगर आपकी 3 अलग अलग बिजनेस में वो पैसा वो बना रहे हैं तो वो आप समझ लेना बाद में। तो एक्स्ट्रा 35,000 दोस्तों महीने का, अगर आप 1 लाख इनकम बना रहे हैं, एक्स्ट्रा 35,000, इतना तो पूरे साल में लोगों को दिवाली बोनस नहीं मिलता, इतना महीने का एक्स्ट्रा ले रहे हो, तो इमेजिन करिए। और जब 6 महीने आप प्लेटिनम बन गए तो आपको एक्स्ट्रा बोनस भी मिलता है लगभग 2 लाख के करीब, लगभग, ये वेरी कर सकता है डिपेंडिंग ऑन योर बिजनेस। और आपको फुकेट थाईलैंड का ट्रिप मिलता है, कमाल है ना, यहाँ पे आप बहुत सारे लोगों को मिलोगे जो ऐसे ट्रिप्स ले रहे हैं, ठीक है। तो आप प्लेटिनम बन गए, आपकी पिक्चर, आपकी स्टोरी छपती है और आपके स्टेट में लोग आपको जानते होते हैं, आउटर स्टेट के बाहर भी आपको लोग जानना शुरू होते हैं, स्टेजेस पे आपको बुलाया जाता है, वंडरफुल, नेम एंड फेम तो होना ही शुरू हो जाता है, बट आपकी लाइफ कितनी खूबसूरत हुई। आप हिंदुस्तान के 1-2% लोगों में आए जो आगे जो 1 लाख से ऊपर बना रहे हैं, और ये काम आप जस्ट 1 साल, हम लोग, मैं, मेरे वाइफ 1 साल में प्लेटिनम बन गए थे, या फिर और हमारे कई लीडर हैं जो 1 साल में प्लेटिनम बन गए थे। हाँ, 2 साल भी लग जाए, 3 साल भी लग जाए, नथिंग बैड, 2-3 साल में भी आप 1-1.25 लाख, 1.5 लाख की इनकम पे पहुंच गए, कितना बढ़िया है। ओके, आगे चलते हैं। और जब आप 3 लोगों को ऐसे हेल्प करते हो ऐसी इनकम बनाने में, वो भी प्लेटिनम बन जाते हैं, तो आप लगभग 3-4 लाख महीने की इनकम, ठीक है, इसको एमरल्ड लेवल बोलते हैं। यहाँ पे आपकी ऑडियो सीडी भी रिलीज होती है पेट्रोल वाइट से, और जब आप, और इसको टाइम लग सकता है 1 साल 2 साल 3 साल, डिपेंडिंग ऑन आप कितना सीरियस है, ठीक है। और जब डायमंड नॉर्मली हम 2-5 ईयर बोलते हैं, इट डिपेंड्स अपॉन योर कमिटमेंट। तो यहाँ पे अगर आप 6 लोगों को मदद कर देते हो ऐसे बिजनेस करेंगे, याद रहिए 6 लोगों, वो 6 ग्रुप्स में 10 लाख से ज्यादा का टर्न ओवर होता है, बल्कि तब तक तो बहुत बढ़ जाता है, बहुत ज्यादा टर्न ओवर बढ़ जाता है, तो आप 6-8 लाख के बीच में महीने की इनकम। फ्रेंड, दिस इज, ये रिटर्न है, ये डॉक्यूमेंटेड है, ये इंक्लूडिंग ऑल दोस बोनसेस है, ठीक है, बहुत ही शानदार बिजनेस है, लेकिन काम करना पड़ेगा, ये कोई फ्री लंच नहीं है। आप लोगों को मदद करने जा रहे हो, लोगों को सिखाने जा रहे हो, बट क्या वहां से आ सकता था जो हम कर रहे हैं? नहीं आ सकता है। क्या वहां से टाइम, और जो जो आपका बिजनेस बढ़ेगा आपको टाइम ज्यादा मिलेगा, यू विल हैव मोर फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ टाइम। व्हाई? क्योंकि अब वो जो आपके पार्टनर है ना, वो खुद बिजनेस करना जानते, आपको समय ज्यादा मिलेगा, आपके पास लाइफस्टाइल होगा, आपको फॉरेन ट्रिप तो मिलने ही वाले हैं प्लेटिनम के बाद, ठीक है, अमेजिंग बिजनेस। और इसके आगे बहुत लेवल है दोस्तों, एग्जीक्यूटिव डायमंड, डबल डायमंड, ट्रिपल डायमंड, देयर इज नो लिमिट, क्राउन, ठीक है। हमारे मेंटर्स हैं डॉक्टर ब्रैच एंड मिसेस ब्रैच, है ना, वो क्राउन चले गए, बहुत बड़ा इनकम है, इससे भी ज्यादा है, ठीक है। लेकिन जो लाइफस्टाइल, जो नेम एंड फेम है, जो फ्रीडम है, वो बताया नहीं जा सकता यहाँ जाकर मिलता है। तो एटलीस्ट यू शुड एम फॉर डायमंड फटाफट जाने के लिए। तो ये था बिजनेस प्लान। हाँ, सारी चीजें समझ नहीं आएंगी, पहले दिन मुझे भी सारा समझ नहीं आया था, राइट, कई बार हमारा टेंशन नहीं होता वहां पे, कुछ चीज हम स्किप कर जाते हैं। डोंट वरी, आप जिनसे के साथ आए हैं शायद वो मेरे से भी बढ़िया बता सके, ठीक है, आप उनसे समझिए, डिटेल में जाइए। चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। अभी इस बिजनेस में आपको मिलेगा क्या? तो आपको मनी, आप जितना चाहें आप उतना इनकम बना सकते, ये एफर्ट बेस्ड होगा। अगर आप रेगुलर काम करेंगे तो आपका लीडरशिप बढ़ता जाएगा, आपका डिस्ट्रीब्यूटर बढ़ते जाएंगे, आपकी टीम बढ़ती जाएगी, और आपका बिजनेस पहले लोकल सिटी में होगा, फिर और शहरों में होना शुरू हो जाएगा, और ऐसे बढ़ता ही जाएगा। दूसरा, आपको टाइम मिलेगा अपने लिए और फैमिली के लिए। जैसे मैं और मेरे वाइफ दोनों जॉब से रिटायर्ड है, क्योंकि हमारा इनकम, हमने रिप्लेस कर दिया जॉब का, बहुत साल पहले ही हम रिटायरमेंट ले। मेरे वाइफ ने 25 साल की उम्र में शुरू किया था, एंड विद इन वन ईयर वी वर मेकिंग 6-figure इनकम। तो हमने क्या किया, मतलब अच्छा इनकम बना रहे थे, और हमने, मेरे वाइफ ने रिटायरमेंट ले लिया जॉब से, है ना, अमेजिंग। पर वो तभी हुआ अगर हम वो इनकम बना रहे थे। अगर हमारा इनकम कम होता या नहीं होता, तब मैं नहीं किसी को बोलूंगा ऐसा करिए, आपने पहले कंसल्ट करना है, इवन यू कैन डू इट विद योर ओन। मैं जॉब 3 साल करता था, जब मैंने एमरल्ड स्टार्ट किया था तब मैंने जॉब से रिटायरमेंट लिया था। थर्ड, तो कोई जरूरी भी नहीं है आपको रिटायरमेंट लेना, यू कैन बिल्ड दिस बिजनेस विद योर व्हाटएवर यू आर डूइंग, आप डायमंड तक भी जा सकते हैं, ठीक है। सो फोर्थ इज, और तीसरा है आपका खुद का बिजनेस। दोस्तों, बड़े लोग आज तरस रहे हैं अपना बिजनेस करने के लिए, लेकिन उनके पास पैसा नहीं है, नॉलेज नहीं है, कंपटीशन से डरते हैं, पता ही नहीं है कैसे करना है, यहाँ पे आपको हेल्प किया जाएगा। फोर्थ, हेल्पिंग अदर, दूसरों की मदद कर सकते हैं, आपका कोई कजन, आपका कोई रिश्तेदार, आपका कोई दोस्त, वो भी कामयाब होगा। फिफ्थ, बच्चों की एजुकेशन बहुत बढ़िया हो सकती है, वोकेशन मिलेंगे यहाँ पे ट्रिप पे,
है ना, कभी टर्की, कभी ग्रीस, कभी कभी इंग्लैंड, कभी कहाँ पे, हर साल ट्रिप्स मिलते हैं। हम लोग बहुत सारे ट्रिप्स ले चुके हैं, ठीक है, नेम एंड फेम, ठीक है, अपना नाम होगा और ये हर इंसान चाहता है, ठीक है। पेरेंट्स का केयर कर सकते हैं, आपके पास कई बार समय नहीं होता तो हम पेरेंट्स का बैठ नहीं सकते, एक्स्ट्रा पैसा नहीं होता तो उनको केयर कैसे करेंगे। लाइफ स्टाइल और फ्रीडम होगा, ज्यादा फ्रीडम मिलेगा, बैलेंस लाइफ होगी, गुड हेल्थ, ये बहुत बढ़िया बात है। यहाँ पे लोग फिट रहते हैं, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर देखेंगे, रेयरली आपको डिस्ट्रीब्यूटर देखेंगे जो बहुत सिक होते हैं, क्यों, वो फिटनेस में यकीन करते हैं, यहाँ पे वो सप्लीमेंट्स यूज कर रहे हैं, अपना हेल्दी लाइफ स्टाइल मेंटेन कर रहे हैं। तो आई थिंक ये चीजें बाहर आई वंडर वैसे यहाँ से मिलेंगी, ठीक है। चलिए अगली स्लाइड पे चलते हैं। तो क्या आप ये लेना चाहते हैं? अगर लेना चाहते हैं तो आप चैट बॉक्स में मैसेज दे दिए, यस आई एम इंटरेस्टेड। आपको क्या अच्छा लगा इस बिजनेस से, आप ढूंढिए, आज आपको सोचना है रियली। हाँ, डोंट वरी, ज्यादा स्केप्टिकल मत होइए कि मैं नहीं मानता, आपके मानने से कुछ नहीं होता, ये पूरे बिजनेस इंडिया में हो रहा है, पूरे हिंदुस्तान में, पूरे वर्ल्ड में हो रहा है ऑलरेडी सक्सेसफुली। विल यू बी एबल टू गेट दिस फ्रॉम योर प्रेजेंट प्रोफेशन? क्या ये सारी चीजें आपको मिलेंगी? नहीं, हो सकता आपको पैसा मिल जाए लेकिन हो सकता है टाइम कभी मिले ना, या फ्रीडम कभी मिले ना, दुनिया घूमना, लाइफ स्टाइल, हेल्थ। बल्कि आपने देखा होगा जो जो हमारे प्रमोशन होता है या बिजनेस ज्यादा करते हैं तो हमारा हेल्थ बिगड़ता जाता है, नॉर्मल लाइफ में हमने देखा, यहाँ पे उल्टा होता है। इफ वी हेल्प यू टू मेक मोर देन 1 लाख अगले 6 से 18 महीने में, है ना, बेबी 24 महीने भी लग जाए कोई बुरा नहीं है, तो क्या आप हेल्प लेना चाहेंगे? क्या आप जिन्होंने इन्वाइट किया उनकी हेल्प लेना चाहेंगे, उनकी टीम की हेल्प लेना चाहेंगे? क्या आप कोचेबल हैं? यहाँ पे सीखना पड़ेगा, देर इज नो फ्री लंच, ये नहीं है कि कोई गेट रिच फ्री है, आपको काम करना पड़ेगा। बट ये इतना खूबसूरत चीज है, काम करके आपकी शानदार जिंदगी बन जाती है। आर यू विलिंग टू लर्न? तो अपने आप को ये आंसर देने होंगे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, मैं ब्रीफ में समराइज करता हूँ इसमें करना क्या होगा। बहुत से लोगों को कई भी पूछते हैं मुझे करना क्या है। सबसे पहली चीज, यस, है ना, सबसे पहली चीज सेल्फ यूज करना है। आपने अपनी बाइंग हैबिट्स चेंज की और चीजों को बाजार से लेने की बजाय यहां से ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं? क्योंकि प्रोडक्ट बहुत बढ़िया है, इकोनॉमिकल पड़ते हैं, कॉन्सेंट्रेट मार्केट से ज्यादा वैल्यू मिल रही है आपको, तो और आपको पैसा बच रहा है, आपको ट्रेड डिस्काउंट आपके अकाउंट में आ रहा है और आपको रिटेल मार्जिन भी बच रहा है, तो क्यों ना बचाया जाए, राइट? मैंने देखा है जो लोग यहाँ पे रेगुलर प्रोडक्ट यूज करते हैं हजारों रुपए साल का बचाते हैं, प्रोडक्ट इतने बढ़िया है और इतने मार्वलस है, इतने जबरदस्त रिजल्ट है, मैं आपको बता नहीं सकता। ये जो शर्ट मैंने डाला है ये मेरे अपने प्रोडक्ट में धुला हुआ है, राइट? फैंटास्टिक। सो डेवलप, और छोटा सा हम कस्टमर बेस बना सकते हैं, आपको एक्स्ट्रा 5,000, 10,000, 15,000, 20,000 एक्स्ट्रा आना शुरू हो गया, आप कस्टमर बेस बना सकते हैं 15, 20, 25 जितने मर्जी कस्टमर बनाइए। इसीलिए दिस इज अ फैमिली बिजनेस। अगर आप मैरिड हैं तो अपने वाइफ को इन्वॉल्व कर सकते हैं, अगर आप सिंगल हैं अपने मदर को इन्वॉल्व कर सकते हैं, है ना, क्योंकि उनको वो उनको उनको बात करना भी अच्छा लगता है और ये काम हम नॉर्मली कर रहे हैं। तीसरा, हम एक बिल्ड कर सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटर्स का नेटवर्क बड़ा। टाटा क्या कर रहा है? नेटवर्क बना रहा है, बहुत सारे एजेंसी दे रहे हैं। रिलायंस क्या कर रहा है? यही तो कर रहा है। तो हम उस मॉडल पे काम कर रहे हैं, हम दूसरों को डिस्ट्रीब्यूटर बना सकते हैं, उनको सिखा सकते हैं और वो दोनों को ये पहला दो स्टेप्स कहेंगे, खुद यूज करना और कस्टमर के कस्टमर बेस कैसे बनाना है, तो ऑटोमेटिकली आपका वॉल्यूम बढ़ता ही जाएगा। तो क्या वो दिन आएगा कभी हम रोज इस्तेमाल होने वाली चीजें नहीं यूज करेंगे? ऐसा कोई दिन नहीं होगा। तो हमारे यूज करने में भी पैसे आ रहे हैं, दूसरे लोग हमारी टीम में यूज कर रहे हैं तब भी पैसे आ रहे हैं, कितनी बड़ी बात है। और आप बिग इनकम क्रिएट कर सकते हैं, टाइम क्रिएट कर सकते हैं, लाइफ स्टाइल। दोस्तों ये बिजनेस ये सोच के मत आइए कि आप किसी को यूज करने जा रहे हैं। अगर आप इस एटीट्यूड से आएंगे शायद आप जिंदगी में ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाएंगे, लेकिन अगर आप इस एटीट्यूड से आएंगे कि मैं खुद भी कामयाब हूं और मैं लोगों को मदद करूंगा कामयाबी में, तो डेफिनेटली आप जिंदगी में बहुत ग्रो करेंगे। तो अब मैं लास्ट में मैं अपने वाइफ को रिक्वेस्ट करूंगा कुछ चंद शब्द बोलेंगे। आई हैव कंप्लीटेड माई प्रेजेंटेशन और मेरे होस्ट बाद में आपको मिलाएंगे कामयाब लोगों के साथ। बने रहिए 15-20 मिनट और बहुत शानदार चीजें देखने जा रहे हैं, कुछ वीडियोस भी देखेंगे। तो लास्ट में मैं अपने वाइफ को रिक्वेस्ट करता हूँ आपको एक मैसेज। हाँ जी फ्रेंड्स, अभी आप लोगों ने बहुत ही बढ़िया बिजनेस प्रेजेंटेशन देखा एंड ये एक ऐसा मॉडल है और ऐसा एक कहते हैं ना नए जमाने का नया बिजनेस है जहां पर आप क्या कहते हैं ना बाय वर्किंग स्मार्ट बाय यूजिंग योर इंटेलेक्ट, मतलब आप अपने आप को बहुत अच्छी तरह से सिर्फ एक थोड़ा सा आप अपने आप को ऑर्गेनाइज करते हो, यू कैन कंप्लीटली ब्रिंग अ बिग टर्न इन योर लाइफ। एंड इसी तरह से मैंने और रवि ने एक डिसीजन लिया था
जब हमने इसको देखा था एंड वी स्टार्टेड डूइंग इट एंड हमने इसको सीरियसली किया. हम लोगों ने इसको ऐसे एज अ हॉबी नहीं लिया, हमने इसको सीरियसली लिया एंड विद इन वन और टू ईयर्स वी स्टार्टेड गेटिंग अमेजिंग रिजल्ट्स फ्रॉम दिस बिजनेस. एंड आज हमारी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो गई है इस बिजनेस से. आज हम लोग फ्री हैं, कहते हैं ना जो हम लोग टाइम, आज के टाइम में जो टाइम ही एक प्रेशियस थिंग बन गई है वो हमारे पास है. मनी की कोई प्रॉब्लम नहीं है एंड वी आर रियली लीडिंग अ लाइफ ऑफ आवर ओन चॉइस. थैंक यू. ओके रंजू, एक बात बताइए, जब हमने ये बिजनेस स्टार्ट किया तो हमने प्रोडक्ट यूज करना शुरू किया? हाँ जी, क्योंकि फर्स्ट थिंग जो था कि हम लोगों ने इमीडिएटली जितने भी बाहर के जो ब्रांड्स के हम प्रोडक्ट यूज करते थे, हमने कम्प्लीटली जो भी हमें यहाँ मिलते थे हमने उसको रिप्लेस कर दिया. बिकॉज कहते हैं कि एवरीथिंग स्टार्ट्स विद यू, हर चीज आपसे शुरू होती है. जब हमारा कॉन्फिडेंस बना, जब मैंने यूज किया, मुझे अच्छे लगे प्रोडक्ट्स, तो मैंने आगे उसको प्रमोट करना शुरू कर दिया एंड उसके बारे में बताना कस्टमर भी बनने शुरू. डेफिनेटली. तो मैं आई वुड लाइक यू टू बी ब्रीफ, है ना, टाइम निकल रहा है. तो क्या हमने ट्रेनिंग लिया? मैंने भी ट्रेनिंग लिया, आपने ट्रेनिंग लिया प्रोडक्ट्स को जानने के लिए? हाँ जी, हम लोगों ने कम्प्लीटली इस बिजनेस के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उसकी कम्प्लीट ट्रेनिंग ली हम लोगों ने कंपनी के जो ऑफिशियल्स थे उनसे. ओके, तो एक चीज और, क्या हमने सीखा इस बिजनेस को सीडी से, अप्लायंस से, और इसको लर्निंग पे जोर दिया तभी हम कामयाब हुए? हाँ जी, हम लोगों ने जितने भी हमारा सिस्टम था जो BWW है उसका, जो भी उस समय SOT आती थी जिसको भी हम लोग, हमारा जो स्मार्ट टच सिस्टम है, हम लोग कम्प्लीटली उसको जैसे जैसे हर महीने उनका शेड्यूल आता था, जो जो नई सीडीज आती थी, बुक्स आती थी एंड जो भी हमारे सेमिनार्स मीटिंग्स होते थे, वी वेर इन टू इट. हम लोगों ने जो हमारे बिजनेस के रूल्स थे, कोड ऑफ एथिक्स थे, या जो भी एथिकल चीजें थी, हम लोगों ने स्ट्रिक्टली उसको फॉलो करके एंड वी वर्कड ओनली ऑन द सेम गाइडलाइंस गिवन बाय द कंपनी. थैंक यू. दोस्तों, ये मैं हमने बातें क्यों की, कई लोग इसको समझते हैं कोई स्कीम है, ये स्कीम नहीं है, प्रॉपर बिजनेस है, इसको सीरियसली करिए और लॉन्ग टर्म करिए. आज हम पिछले 20 साल से हैं, अब मार्केट में देखेंगे 20 साल तक तो 10% से कम बिजनेस चलते हैं और 20 साल से आगे तो उससे भी कम. तो बिजनेस अगर 20 साल चलाना है, 50 साल चलाना है, तो बी ऑनेस्ट टू योर सेल्फ, बी ऑनेस्ट टू पीपल, इंटेग्रिटी से काम कर रही है, कुछ बढ़ा चला के बताने की जरूरत नहीं है. ये दुनिया का बेहतरीन बिजनेस है, यू शुड फील प्राउड अबाउट दैट. So, एक लर्निंग एटीट्यूड से आइए, और यहाँ पे बहुत पढ़े लिखे लोग भी आ रहे हैं, अनपढ़ लोग भी आ रहे हैं, ठीक है, हर तरह का बंदा, हर की रिस्पेक्ट करनी है. बहुत लोग, हमने लोगों को ऊपर उठाना है, लोगों को हेल्प करना है, एम्पावर करना है. एंड लेडीज इसमें बैकबोन है, ठीक है, क्योंकि अगर ये प्रोडक्ट नहीं यूज करते, मुझे साथ नहीं देते तो आई वुड नॉट हैव बीन सक्सेसफुल. सो थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके. आई होप यू वॉन्ट टू हैव ए लाइफ ऑफ ब्यूटिफुल लाइफ एंड अ लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस, ए बैलेंस लाइफ. आज के कोरोना के युग में आप अपनी टेंशन से बाहर निकलना चाहते हैं, तो इट वाज यू नो ग्रेट टॉकिंग टू यू, रियली आई चेरिश दैट. सो थैंक यू वेरी मच, ओवर टू माय वंडरफुल होस्ट. थैंक यू रवि जी, रंजू जी, बहुत बढ़िया वे से आपने अपनी लाइफ के बारे में शेयर किया कि कैसे इस बिजनेस ने आपकी लाइफ को यू टर्न दिया और यू आर नाउ लिविंग अ लाइफ ऑफ फ्रीडम. रवि जी और रंजू जी ने एक बात की थी, वो फ्री लाइफ जी रहे हैं, दे आर लिविंग अ लाइफ ऑफ फ्रीडम. बहुत ही ये यूनिक वर्ड है, ये सिर्फ सुनने को मिलता है, किताबों में भी हमने कभी नहीं पढ़ा इसके बारे में, पर रंजू जी और रवि जी इस लाइफ को रियली प्रैक्टिकल वे से जी रहे हैं और उन्होंने जो आज प्रेजेंटेशन आपके सामने रखी है तो एक रास्ता बताया है हर एक उस दोस्त को जो आज हमारे साथ जुड़ा हुआ है और ये लाइफ जीना चाहता है कि कैसे आप इस लाइफ को जी सकते हैं. उन्होंने प्रैक्टिकल वे से क्वेश्चन आंसर के भी जरिए बताया कि जब उन्होंने डिसीजन लिया तो उन्होंने क्यों डिसीजन लिया इस बिजनेस में आने का, और उन्होंने बिजनेस में आके कौन कौन से स्टेप उठाए इनिशियल स्टेज पे कि जिसकी वजह से आज वो इस लाइफ ऑफ फ्रीडम को उसमें से निकाल पाए. तो सबसे पहला क्या स्टेप बताया, प्रोडक्ट्स यूज करने शुरू किए. प्रोडक्ट्स तो वो ऑलरेडी पहले यूज कर रहे थे पर उन्होंने बाइंग हैबिट्स को शिफ्ट किया और बाइंग हैबिट शिफ्ट करते ही वो फ्रीडम की लाइफ की तरफ बढ़ना शुरू कर दिए. अभी भी हमारे साथ बहुत से ऐसे जो जुड़े होंगे जो डाइवर्सिफाइड व्यू रखते होंगे इस बिजनेस के बारे में क्योंकि उन्होंने बाहर से बहुत कुछ सुना होगा, पर रवि जी और रंजू जी इस बिजनेस के सक्सेसफुल कपल हैं और जो वर्ड्स उन्होंने कहे हैं आई श्योर यू, आई गारंटी यू, एक एक वर्ड उनका वैल्यू रखता है और रियलिटी की तरफ बात करता है. पहले लोगों की बातें सुन के गवर्नमेंट के व्यूज भी अलग थे इस बिजनेस के बारे में, पर जब
बिजनेस एथिकल हो और स्ट्रॉन्ग हो और रिजल्ट ओरिएंटेड हो तो हर एक के व्यूज बदल सकता है। तो अब गवर्नमेंट्स के व्यूज इस बिजनेस के बारे में क्या है वो हम एक शॉर्ट वीडियोस के जरिए बताएंगे कि गवर्नमेंट अब इस बिजनेस को किस लेवल पे देख रही है और उनके लिए ये इंडिया इकोनॉमी में वो क्या रोल प्ले करने वाला है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा सिद्धार्थ जैन जी से जो हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट ऑन बैकग्राउंड बहुत मेहनत करते हैं तो मैं उनके लिए भी एक अप्लॉज चाहूंगा, उनकी वजह से ये सारा शो पॉसिबल होता है। तो आज वो वीडियो शेयर करेंगे आपके साथ, प्लीज हैव ए सीरियस लुक। So direct selling industry is, adds hugely to economic activity. It is a major driver of India's growth and that it provides economic impetus to any more than anything else. And the key challenge for India is really about growth with jobs. If you are not able to create jobs, you will be in deep problems. And therefore, jobs are very, very critical. And we need to grow at 9 to 10% per annum for 3 decades or more to be able to create jobs for a very young population. We are passing through a window of demographic transition which rarely happens in history. Our population is very young. You know, the biggest social and economic transition that is taking place across the world is the fact that the population in Europe and America is getting older and older. The population in India is getting younger and younger and it will keep getting younger till 2040. And therefore, if you have to reap this advantage, it can be a huge nightmare as well if you are not able to create jobs. So if you have to create jobs, there are only two ways. One is to push manufacturing in a very big way, and the other is to push direct selling. So that many of you create jobs, you should also be able to do, you know, right now many of you don't do manufacturing in India. Amway has started doing manufacturing in India, you know. So my compliments to, they've set up a big plant in South India. I have not seen it, but I've seen photographs of it, so I appreciate what Amway has done. But each one of the companies must start doing manufacturing in India. If you're going to sell, you know, while we have brought systems, we've brought discipline, we've brought guidelines, we've done this, we drafted this long time back. It took Ministry of Consumer Affairs some time, but they finally issued those guidelines. So there's now everybody in government accepts that there are Government of India guidelines, clear guidelines. How you people are an integral part of now, that has given respectability. Earlier, you people were, you know, many states, Kerala, West Bengal, many of you were seen as people who were doing chit funds. You are not doing chit funds. You know, you are doing a very respectable profession. You are economic drivers of growth for India. So we respect that. And that has now been recognized. Government has, by issuing these guidelines, clearly recognized that you are major players of India's economy, that you significantly contribute to India's economy, that you are adding to India's growth and wealth, and that you are creating jobs. And therefore, getting out with these guidelines were very important. And these guidelines have now been given to different states to realize that you are important players in India's economy, and every state will respect these guidelines because they have been issued by Government of India.
We embarked on this journey of setting up our manufacturing plant way back in 2011. And this was obviously an investment ahead of time. It took us 18 months to identify the location where we had to put up the state-of-the-art manufacturing plant. People from across the globe contributed to make sure that we got the right manufacturing competencies, capabilities, people, and processes. Our products are backed by science, technology, research, and we want to make sure that we insource all the proprietary technology, especially for our nutrition and beauty segment. Thank you, Siddharth ji, for sharing such informative videos. इस वीडियोस के जरिए बहुत कुछ क्लियर हो गया होगा कि अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस बिजनेस को किस लेवल पे देख रही है. It's an another profession. जैसे मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, डॉक्टर्स भी होते हैं, इंजीनियर्स, IITians, वी आर लुकिंग ऑन एट दिस बिजनेस लाइक अनदर प्रोफेशन. और जो आपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट देखा इंडिया में जो लग चुका है, मदुराई में, तमिलनाडु में, दिस बिजनेस इज वर्किंग इन मोर देन 108 कंट्रीज, बट सिर्फ चार कंट्रीज में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगे. एंड वी आर वेरी लकी एंड फॉर्चुनेट कि इंडिया उनमें से एक है. और जो इंडिया में यूनिट लगा है वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का लगा है. इवन अमेरिका में भी वो टेक्नोलॉजी नहीं यूज की, क्योंकि इंडिया में सबसे बाद में यूनिट लगा है एंड इट्स अ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूनिट. इसी वजह से KPMG जो एक बहुत बड़ी संस्था है, उन्होंने प्रेडिक्ट कर दिया हुआ है कि आने वाले 5 साल में इंडिया में ये बिजनेस मैनीफोल्ड्स ग्रो करेगा और बहुत से लोग अपनी लाइफ को इसमें चेंज करेंगे. तो बहुत से दोस्त ये डिसीजन ले चुके हैं अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए. जैसे रवि जी ने बताया डिफरेंट लेवल्स पे जब आप पहुंच जाते हो उस बिजनेस को डिसाइड करके और उसमें ग्रो करके, तो मैं अभी उन सभी दोस्तों से आपको मिलवाने जा रहा हूं ताकि एक फेथ, एक होप मिले आपको कि हमारे जैसे ही लोग इस बिजनेस में मेहनत करके, जो ऑलरेडी हम बात बहुत ज्यादा कर रहे हैं, इस बिजनेस में भी मेहनत करके हम अपनी लाइफ को मैनीफोल्ड चेंज कर सकते हैं. तो जैसे रवि जी ने बताया यहाँ पे डिफरेंट लेवल्स हैं. जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हो तो राइट फ्रॉम द बिगिनिंग पहले दिन से ही आप प्रॉफिटेबल हो जाते हो. कोई प्रोडक्ट्स जो आप बाहर से लेके आते हो, अगर आप बाइंग हैबिट्स चेंज करते हो, तो यहाँ पे आपको इनिशियल लेवल पे ही घर में पैसे आने शुरू हो जाते हैं, आपके बैंक अकाउंट में पैसे आने शुरू हो जाते हैं जो कई सालों से नहीं आ रहे थे पहले. तो उसमें जब परफॉर्म करते हैं इस बिजनेस को डेवलप करने के लिए, तो हमारे डिफरेंट लेवल्स हैं. 3% एंड 6% लेवल इनिशियल लेवल्स हैं, पर इस लेवल पे भी आपको पैसे मिलते हैं. पर आप इस लेवल पे बिजनेस सीखते हैं अपनी टीम की हेल्प से और सिस्टम की हेल्प से. और उसके आगे लेवल होता है 9% लेवल, जहाँ पे लीडरशिप लेवल है. यहाँ आपकी टीम बन जाती है और ये टीम बनती है, सिर्फ आप अकेले नहीं बनाते, आपकी टीम और सिस्टम आपको हेल्प करता है ये टीम बनाने के लिए. पर आप 9% लेवल पे पहुंचते हैं, आपकी इनकम और बढ़ जाती है. उसके बाद 12% लेवल है लीडरशिप लेवल. उसके बाद आता है स्टार 15%, जहाँ पे ब्रॉन्ज पिन आपको मिलती है और यहाँ पे आपका प्रॉफिटेबिलिटी काफी अच्छा हो जाता है. इवन आपकी सैलरी के बराबर आपकी इनकम आनी शुरू हो जाती है पार्ट टाइम में, विदाउट लीविंग अवर जॉब और प्रोफेशन. उसके बाद हमारा 18% and 21% लेवल आता है, जहाँ पे इनकम बहुत अच्छी हो जाती है. और 21% पे तो आप 50,000 और 60,000 की इनकम को भी क्रॉस कर जाते हैं. और ये इनकम जो एडिशनल होती है आपकी लाइफ में बहुत सारी चेंजेस ला सकती हैं. तो ये सभी दोस्त हमारे साथ 3% to 21% एंड लीडरशिप लेवल एट 9% and 15% सभी दोस्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं. हम उनका नेम और प्रोफेशन नहीं पूछ पाएंगे, टाइम कंस्ट्रेंट है, पर मैं सभी दोस्तों को जाता हूँ. दे आर फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ. दे आर डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, हाउसवाइफ्स, स्टूडेंट्स, सभी वॉक ऑफ लाइफ से ये दोस्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं. और सभी दोस्त का हम स्वागत करते हैं ये आज की इस ब्रिट ओपन मीटिंग में. दे आर वेरी वैल्यूएबल टू अस. वो लोगों को होप दे रहे हैं अपनी लाइफ चेंज करने के लिए. तो उसके बाद जैसे रवि जी ने बताया था कि जब आपके ग्रुप में, आपकी टीम में 10 लाख की टर्नओवर होनी शुरू हो जाती है, तो आप सिल्वर लेवल अचीव करते हैं. इस लेवल पे आपकी इनकम 80,000 to 1.25 lakh तक हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन योर स्ट्रक्चर. ये कैसे होगा, जिनके साथ आप आए उनके साथ बैठ के उसको समझिएगा और
पूरी डेप्थ में जाइएगा, आपको इसके बारे में समझ आ जाएगा और बहुत इजी है इसको अचीव करना अगर आप कमिटेड हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा सभी सिल्वर लेवल जो लीडर्स हमारे साथ आज एसोसिएटेड हैं वो अपना वीडियो ऑन करेंगे, सभी सिल्वर एंड गोल्ड प्रोड्यूसर्स, सिल्वर्स एंड गोल्ड प्रोड्यूसर्स अपना वीडियो ऑन करेंगे प्लीज। तो आई रिक्वेस्ट तरसेम सिंह जी एंड रजिंद्र कौर पुरवा जी फ्रॉम लुधियाना, अपना नेम प्रोफेशन नेम प्रोफेशन सिटी एंड अपलैंड एमएन। ओके, सभी को नमस्कार, मेरा नाम तरसेम सिंह, बाय प्रोफेशन गवर्नमेंट जॉब लुधियाना से, अपलाइन डायमंड मिस्टर बिमल जैन। सभी को नमस्कार, मैं परजिंदर कौर हाउसवाइफ लुधियाना से। अंजना राणा जी, गुड इवनिंग एवरीवन, अंजना राणा पोस्ट ग्रेजुएट फ्रॉम हिमाचल प्रदेश और जैन सर की मेंटरशिप में वर्क कर रहे हैं, थैंक यू सर। कर्नल जितेंद्र शर्मा, गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कर्नल जितेंद्र रिटायर्ड फ्रॉम आर्मी और चंडीगढ़ से बिजनेस को बहुत पैशनेटली बिल्ड कर रहे हैं, माय मेंटर माय कोच इज नरेंद्र गोयल जी एंड अपलाइन डायमंड इज मिस्टर बिमल जैन। ओके ग्रेट, अगर कोई और सिल्वर प्रोड्यूसर या गोल्ड प्रोड्यूसर लीडर्स अवेलेबल हैं प्लीज अपना वीडियो ऑन कर लीजिए, हम उनके बारे में भी जानना चाहेंगे, एनी सिल्वर एंड गोल्ड प्रोड्यूसर लेवल। ओके सर, मैं भी इसी लेवल पे हूँ, मैं अपनी वाइफ के साथ मिलकर इस बिजनेस को बहुत पैशनेटली बिल्ड कर रहा हूँ और हम कमिटेड हैं डायमंड जाने के लिए एंड बियॉन्ड जाने के लिए, थैंक यू वेरी मच। सभी को नमस्कार, मेरा नाम हरविंदर, बिजनेस वूमन, थैंक यू। वाओ, सभी सिल्वर एंड गोल्ड प्रोड्यूसर लीडर्स का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और स्वागत करते हैं, दे आर द रियल टॉर्च बियरर फॉर द सोसाइटी। तो आई रिक्वेस्ट नाउ ऑल द प्लैटिनम लीडर्स, Q6 लीडर्स अपना वीडियो ऑन कर लेंगे, ऑल प्लैटिनम Q6 लीडर्स, नेम प्रोफेशन सिटी एंड अपलाइन डायमंड। तो सबसे पहले मैं इन्वाइट करना चाहूंगा इंदिरा एंड एन आर मैमी जी। इंदिरा मैमी, बाय प्रोफेशन नेक्स्ट लेक्चरर, अपलाइन डायमंड मिसेस मल्होत्रा, मिस्टर मल्होत्रा। एन आर मैमी फ्रॉम पटियाला, अपलाइन डायमंड्स दा जगजीत सिंह जी मल्होत्रा एंड सुरेंद्र कौर मल्होत्रा, थैंक यू। ग्रेट सर, थैंक यू जी। मैं इनवाइट करना चाहूंगा अनिल सहारन जी को। सभी को नमस्कार, मेरा नाम अनिल सारण है, मैं गंगानगर राजस्थान से बिलोंग करता हूं और मेरे अपलाइन जो मेंटर है धर्मेंद्र एंड मंजू सारण गंगानगर से और अपलाइन डायमंड है जगजीत सिंह एंड सुरेंद्र कौर मल्होत्रा फ्रॉम लुधियाना, थैंक यू सर। ग्रेट, थैंक यू। डॉक्टर रुपिंदर सिंह, गुड इवनिंग, डॉक्टर रुपिंदर, मैं चाइल्ड स्पेशलिस्ट लुधियाना से, तो मेरा अपलाइन डायमंड है बेमलन मिर्जा जैन लुधियाना से, थैंक यू। थैंक यू सर, सभी प्लैटिनम लीडर्स का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, थैंक यू वेरी मच। Now moving on to founder platinums, Q12 platinums, यहाँ पे आके आप एक और reward enjoy करना शुरू कर देते हैं, world tours, और world tours इतने lavish होते हैं कि maybe आप सारी उम्र वो world tour अपने पैसे से ना ले सकें, अगर ऐसे chartered accountant मैं देखूं तो मैं इतने world tour नहीं ले पाऊंगा अपनी income में जो हर साल आपको यहाँ पे मिलते हैं। तो मैं सभी founder platinum leaders के साथ आपकी मुलाकात कराना चाहूंगा, तो starting with नरेंद्र गोयल जी। गुड इवनिंग फ्रेंड, माय सेल्फ नरेंद्र गोयल फ्रॉम बठिंडा और बड़े पैशनेटली बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं फ्रेंड्स, अपलाइन डायमंड विमल जैन एंड विनीता जैन और रवि जी एंड रंजू जी का ग्रेट प्लान था, मेरे बड़े फेवरेट स्पीकर हैं, सो थैंक यू सर। थैंक यू नरेंद्र जी, थैंक यू वेरी मच। नाउ ओवर टू अनीता जी एंड उमेश जी। सर अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं आप। हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, माय नेम इज उमेश चंद्र विश्वास और हम हैं बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन के मेंबर हैं, फाउंडर प्लैटिनम में गुड स्ट्रक्चर के साथ बिजनेस कर रहे हैं और बहुत ही साउंड और प्रोफाउंड बिजनेस कर रहे हैं और आज का प्लान बहुत ही औसम था, एक्सलेंट था और इस प्लान को हम लोग जीवन में उतारे तो सफल हो सकते हैं। सभी भाई के लिए यही संदेश है जो नए मेहमान है, तो दिल से कीजिए और पूरा ऑनेस्टली कीजिए, आप सफलता के शिखर पर हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मेजी, थैंक यू वेरी मच। नाउ आवर नेक्स्ट लीडर्स विवेक एंड राधा भारती। हेलो, हाँ जी, गुड इवनिंग जी, माई सेल्फ राधा भारती, आई एम अ बिजनेस वुमेन, मेरे हस्बैंड मिस्टर विवेक भारती जी और हमारे अपलाइन डायमंड है मिस्टर बिमल जैन विनीता जैन जी, थैंक यू। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। नाउ ओवर टू जगजीत सिंह एंड जसवीर कौर पन्नू।
Good evening, everyone. We are Jagjeet and Jasbir Pannu from Ludhiana. I'm an engineer and she's a housewife. Upland Diamond, Mr. Sendarpal Thakkar. Thank you. Wow. Kulwant Singh Ji and Amrit Kaur. Haan ji, friends. Sabhi ko namaskar and good morning. Myself, Kulwant Singh. By profession engineer, government job mein. Ludhiana se Upland Diamond sa, Jagjeet Singh and Mr. Sendarpal Malhotra. Thank you. Thank you, Ji. Thank you very much. Now over to Anju and Rajneesh Seth. Good evening, friends. We are Anish and Anju Seth from Ludhiana. Thanks to Ravi Ji and Anju Goparaya Ji, Upland Diamond, Vimal and Vinita Jain Ji. Thank you. Thank you, Rajneesh Ji. Thank you very much. I think we have done with all the founder platinums. पर मेरे को पता लगा था कि हमारे साथ एक यूके से भी फाउंडर प्लेटनम जुड़े हुए हैं. मैं उनका नाम लेना चाहूंगा, किरण प्रताप जी. अगर मेरे को मेरी बात सुन रहे हैं तो प्लीज किरण प्रताप जी. किरण प्रताप जी, ओके. नाउ आई वुड लाइक टू कॉल अदर लीडर्स फ्रॉम यूके. वो हर बार हमारे साथ एसोसिएट होते हैं एंड दे आर अवर अपलाइन इन यूके एंड अवर मेंटर इन यूके. वो हमारी सभी लेग्स को, हमारे बिजनेस को वही संभाल रहे हैं. वी आर सो इंडाइटेड टू हिम. आई वुड लाइक टू कॉल डॉक्टर त्रेहन. डॉक्टर साहब, डॉक्टर त्रेहन. थैंक यू सो मच फ्रेंड्स. माय नेम इज डॉक्टर त्रेहन. आई एम बाय प्रोफेशन आई एम अ डायबिटीज कंसल्टेंट एंड आई एम बीन स्पॉन्सर्ड बाय डॉक्टर बैच. आई एम जॉइनिंग यू फ्रॉम वेस्ट लंडन, यूनाइटेड किंगडम. एंड व्हाट अ फिनोमिनल प्रेजेंटेशन बाय रवि जी एंड रंजू जी. थैंक यू एंड ओवर एंड आउट. थैंक यू. थैंक यू डॉक्टर साहब. थैंक यू फॉर एसोसिएटिंग विद अस ऑल ऑन एवरी एंड ईच संडे. थैंक यू वेरी मच सर. यू आर मेकिंग आवर मीटिंग ग्लोबल. थैंक यू वेरी मच सर. तो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट लेवल ऑफ सक्सेस, एमरल्ड्स लेवल. जैसे रवि जी ने बताया, जब आपके तीन टीम्स 10-10 लाख की टर्नओवर शुरू कर देती हैं, एक लीडरशिप डेवलप हो जाती है, एक डुप्लीकेशन आपके टीम में आनी शुरू हो जाती है, तो आपको फ्रीडम मिलनी शुरू हो जाती है. यहाँ पे हम कहते हैं विद थ्री यू आर फ्री. यहाँ पे आपको एक फ्रीडम वाली लाइफ जीने का मौका मिलता है, देखने का नहीं, जीने का मौका मिलता है. जैसे अभी रंजू जी और रवि जी कह रहे थे कि दे आर फ्री नाउ. तो एक एक करके हम सभी लीडर्स के आपके साथ मुलाकात कराना चाहेंगे. तो स्टार्टिंग विद मैं रिक्वेस्ट करूंगा सभी एमरल्ड्स एंड फाउंडर एमरल्ड्स से अपना वीडियो ऑन कर लेंगे प्लीज. ऑल एमरल्ड्स एंड फाउंडर एमरल्ड्स आई रिक्वेस्ट टू पुट ऑन देयर वीडियोस. ग्रेट. तो सबसे पहले मैं इनवाइट करना चाहूंगा डॉक्टर शमा कांत एंड किरण झा फ्रॉम बिहार. चलिए, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू. जबरदस्त प्लान. और आज का प्लान का सबसे खासियत रहा जो नए ढंग से इन्होंने बतलाया, जो उनका ब्रीफिंग किया और हिस्ट्री में बतलाया, दैट इज काबिले तारीफ है. और एक चीज और बतला दे, जो बिजनेस करने का कोई ना कोई एक रीजन ढूंढ लीजिए. कुछ ने रीजन ढूंढ लिया बिजनेस, हमको नहीं लगता है जो शायद और कोई चीज अपने इस पृथ्वी पर है. आप यूज कर रहे हैं उसी को, दूसरे को बतला रहे हैं, यही तो बिजनेस है. कितना बिजनेस है. और इसी से कल आज जिसको आप पार्ट टाइम में करते हैं, जो कल आपके मेन इनकम को ये रिप्लेस कर देता है, दैट इज द बेस्ट पार्ट ऑफ द बिजनेस. इसीलिए हम जितने नए लोग हैं उनसे कहेंगे, जो अभी तो कभी नहीं, अभी दिस बेस्ट टाइम है. डिजिटली हम लोग सारी चीज कर रहे हैं. अभी हमारे सारे लोग कहाँ कहाँ से इंटरनेशनली हम लोग यहाँ पर सब एक साथ कर रहे हैं. इससे देखिए कितना भ्रातित्व है हम लोग, ब्रदरहुड कितना है, जो सब आदमी एक जगह एक प्लेटफॉर्म पर होके और उस बिजनेस को प्रमोट करें. थैंक यू. बैक टू द होस्ट. थैंक यू डॉक्टर साहब. थैंक यू डॉक्टर साहब. नेक्स्ट लीडर से मैं मिलाऊं, इससे पहले कि हम फाउंडर प्लेटिनम लीडर दो हमारे से मिस हो गए हैं, बेसिकली वो वीडियो नहीं ऑन कर सके अपना, तो हम उनका एक ऑडियो मैसेज जरूर लेना चाहेंगे. तो सबसे पहले मैं इनवाइट करना चाहूंगा डॉक्टर विनीत एंड समिता गुलाटी. अगर वो मेरी बात सुन पा रहे हैं, प्लीज अपना मैसेज दीजिए, नेम, प्रोफेशन. सर वहां पे साउंड बहुत ज्यादा है. आई थिंक दे आर आउट ऑफ स्टेशन. ओके,
नेक्स्ट लीडर हमारे हैं सुरेश ठाकुर जी फ्रॉम हिमाचल, इफ दे आर अवेलेबल अपना ऑडियो मैसेज देना चाहेंगे सुरेश ठाकुर जी। आई थिंक वो भी अभी अवेलेबल नहीं है। तो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट एमरो लीडर्स, ग्रेट लीडर्स, दुर्गा सिंह जी फ्रॉम काशीपुर। ओके थैंक यू, नमस्कार सबको, सस्त्रीकार, मेरा नाम दुर्गा सिंह है। सबसे पहले मैं बहुत बहुत बधाई दूंगा रवि जी को, बहुत सिंपल बहुत अच्छा प्लान मैंने उनको बहुत कुछ सिखाया। और दूसरा हमारे बिमल जैन जी जो हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, जितेंद्र जी हमारे बहुत अच्छे मित्र बन चुके हैं क्योंकि हम बहुत सीखते हैं सब लोगों से। और जितने भी लीडर्स मेरी आवाज सुन रहे हैं मैं सबके लिए थैंक्स करता हूँ कि वर्चुअल मीटिंग से हम पूरे हिंदुस्तान के लोगों को एक साथ जोड़ दिया, पूरे वर्ल्ड के लोगों के साथ जोड़ दिया। कहते हैं जब जब कोई मुसीबत आती है तो दुनिया में बहुत कुछ अच्छाई भी उसके पीछे से आती है, लेकिन वो लोग घबरा जाते हैं, लोग थोड़ा सा मतलब पेशेंस रखना चाहिए इसको। जैसा बताया मेरा नाम दुर्गा सिंह है, मैं साइकिल की रिपेयर करता था, 5 बच्चे हैं, 3 बेटी 2 बेटे हैं और 3 बेटियों की शादी कर चुकी है, चौथे बेटे की तैयारी है। और बहुत अच्छा लगता है बिजनेस में, सिंपल बिजनेस है, कॉमन सेंस का बिजनेस है। अगर सीडी सुन सकते हैं, प्रोडक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, किताब पढ़ सकते हैं, ऐसी मीटिंग में घर बैठ के ज्वाइन कर सकते हैं, कुछ लोगों को कॉल कर सकते हैं, तो दुनिया में इसे सरल और आसान और रिगार्डिंग बिजनेस दुनिया में कोई बना नहीं। हम लोग कई साल से फॉरन कंट्री है, जो हमारे मित्र है बिमल जैन जी है, रवि जी है, ये सारी दुनिया घूम रहे, 40-40 कंट्रीज लोग ये घूम चुके हैं। मुझे बड़ा प्राउड फील होता है ऐसे लोगों की संगत में रहने के बाद। अगर हम कर सकते हैं, अनपढ़े लोग, कम पढ़े लिखे लोग कर सकते हैं, साइकिल का पंचर जोड़ने वाले कर सकते हैं, दुनिया का, हिंदुस्तान का, वर्ल्ड का कोई भी इंसान कर सकता है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, गो क्राउड। थैंक यू दुर्गा सिंह जी, आपका आना और आपका अपना मैसेज शेयर करना एक बहुत बड़ी होप है बहुत से लोगों के लिए। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। तो नेक्स्ट लीडर को मैं बुलाना चाहूंगा, ग्रेट लीडर, फाउंडर एमरल्ड्स, विलास एंड शोभा गोले फ्रॉम पुणे। थैंक यू सर, राइट। सो सभी राइट दोस्तों को नमस्कार, और आज रवि जी ने बहुत जबरदस्त तरीके से प्लान दिखाया और राइट उन्होंने हमारी टीम के लिए प्लान किया था, तब से लेके हम बहुत जबरदस्त तरीके से ग्रो कर रहे हैं। और आज उन्होंने जो भी ट्रेनिंग में बताया राइट इथिक्स के बारे में, हम भी ये बिजनेस में पहले से राइट पूरा जो भी इथिक्स है उसको राइट पकड़ के चलते हैं, और इसीलिए हम ब्रिज सिस्टम और जो अपलाइन टीम है वो बता दी उसी तरह से करते गए। एजुकेशन मैटर नहीं करता, मैं तो 10th तक 3 बार फेल हूँ अगर लाइफ में पास हूँ, और रीजन ये है कि ब्रिटिश सिस्टम और यहाँ की एजुकेशन हमें यहाँ तक लेके आई। अगर हमारे लिए बिजनेस हो सकता है तो आपके लिए हो सकता है। सो थैंक यू शोभा गुलिया हैं सर, थैंक यू, थैंक यू, ग्रेट सर, थैंक यू वेरी मच विलास जी, शोभा जी, थैंक यू वेरी मच। तो ये थे हमारे एमरल्ड्स एंड फाउंडर एमरल्ड लीडर्स। मेरे को प्रताप जी भी नजर आ रहे हैं, अगर प्रताप जी यूके से हैं हमारे साथ जुड़े हुए तो मैसेज देना चाहते हैं प्लीज अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं। प्रताप जी, किरण प्रताप जी, ओके। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट सक्सेस लेवल, वेरी प्रेस्टीजियस लेवल। रवि जी ने अपने बिजनेस प्रेजेंटेशन में आपके साथ शेयर किया था कि अगर आपकी टीम में 6 टीम्स ऐसी हो जाती हैं जिसमें 10-10 लाख की टर्नओवर मिनिमम होनी शुरू हो जाती है तो आप डायमंड हो जाते हैं। डायमंड वो लेवल है, वी कॉल इट एज विद 6 यू आर रिच, रिचेस का लेवल है। मनी सिचुएशन आपको तंग नहीं करती थ्रू आउट योर लाइफ और आपकी आने वाली जनरेशन को, इतना बढ़िया लेवल है ये। क्यों? जैसे रवि जी ने बताया कि ये ऐसी इनकम है जो आपकी एफर्ट्स के बिना भी आती है। नो डाउट पहले एफर्ट्स लगानी पड़ती है, एफर्ट बेस्ड इनकम है पहले, पर आप जब टीम डेवलप कर लेते हो तो बिना एफर्ट के भी आती है। वी आर वेरी फॉर्चुनेट एंड लकी, हम उनकी मेंटरशिप में इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं और मेरे को बहुत मान महसूस होता है उनको इन्वाइट करने के लिए हर बार। दे आर अवर मेंटर्स, दे आर अवर गाइड्स, वेरी हम्बल कपल। आई वुड लाइक टू इन्वाइट डायमंड्स गोइंग कैम्प, बिमल एंड विनीता जैन। हेलो फ्रेंड्स, सभी को नमस्कार, माई सेल्फ वनीता जैन। और सबसे पहले तो थैंक्स करूंगी रवि जी एंड रंजू बोपर आई जी का, जिन्होंने बहुत ही अच्छा बिजनेस प्लान दिखाया और बिजनेस के टिप्स दिए कि कैसे हम बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं, और ड्रीम शेयर किए कि हमें इस बिजनेस से क्या क्या मिला। सो दोस्तों बहुत ही अच्छा बिजनेस है। मैं थैंक्स करूंगी अपने ग्रेट अपलाइन मल्होत्रा जी, मिसेज मल्होत्रा जी का, जिन्होंने ये हमें अपॉर्चुनिटी शेयर की।
और दोस्तों हमने ये बिजनेस 20-21 साल पहले शुरू किया था। हमने इस बिजनेस को बहुत ही सीरियसली बिल्ड किया, पैशनेटली बिल्ड किया, दोनों ने अपनी जॉब के साथ साथ बिल्ड किया। और जैसे जैसे हमें बताया गया सिस्टम के थ्रू या हमारे अपलाइन जैसे बताते गए वैसे इस बिजनेस को बिल्ड किया, और हमें 2-3 साल के अंदर ही बहुत ही अच्छे रिजल्ट आए, हमें सब कुछ मिला। मेरा एक ड्रीम था कि जैन साहब को जॉब से फ्री करना, वो सपना इस बिजनेस से पूरा हुआ। और प्रोडक्ट्स इतने अच्छे हैं कि हमें इस बिजनेस से हेल्थ अच्छी मिली, बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट्स हमने सारे यूज किए और अच्छे रिजल्ट आए और पैसा भी बहुत मिला। जैसे अभी जतिंदर जी बता रहे थे कि बिना एफर्ट्स के भी पैसा आता है, सो वही चीज हमारे साथ हो रही है कि हम अगर एफर्ट्स नहीं भी लगाते तब भी इस बिजनेस में पैसा आ रहा है और रिकॉग्निशन मिली, और आज पूरी दुनिया घूम चुके हैं। तो बहुत अच्छा बिजनेस है। जो दोस्तों जो चीज़ आप अपने प्रेजेंट प्रोफेशन से अगर नहीं ले पा रहे तो ये बिजनेस जरूर बिल्ड कीजिए। पार्ट टाइम में बिल्ड करना है, अपनी जॉब के साथ बिल्ड करना है, और जो जो जिंदगी में आपके सपने हैं वो इस बिजनेस से पूरे हो सकते हैं। थैंक यू एंड गो डायमंड। ओके, नमस्कार दोस्तों, माइसेल्फ बिमल जैन, बाई प्रोफेशन मैं बैंक मैनेजर था इंटरनेशनल बैंकिंग में। इस बिजनेस में आने से पहले हमारे ग्रेट मेंटर हैं मिस्टर जगजीत सिंह मल्होत्रा जी, वी वर टुगेदर इन इंटरनेशनल बैंकिंग पंजाब नेशनल बैंक, राइट। उन्होंने इस बिज़नेस को शुरू किया था और फिर उसके बाद उन्होंने हमें इस बिज़नेस में इंट्रोड्यूस कराया, तो वी आर वेरी लक्की कि जो उन्होंने गाइड किया हम वैसे ही करते गए। और विद इन 7-8 मंथ्स हम अपने बैंक की सैलरी से कई गुना इनकम यहाँ से जनरेट करने लग गए थे। फिर उसके बाद हमने पीछे मुड़ के नहीं देखा, उसके बाद हम प्लैटिनम गए, एमरल्ड, डायमंड आज आपके सामने हैं। आज हमारी इनकम बहुत ज़्यादा है और 7 डे संडे हैं, सारी दुनिया घूम चुके हैं, रेस्पेक्ट, रिकग्निशन, नेम, फेम पूरे वर्ल्ड में है। जहाँ भी जाते हैं लोग एयरपोर्ट्स पर रिसीव करने आते हैं, हार, बुके, ऑटोग्राफ, फोटोग्राफ। तो ये हमारी ज़िंदगी बन चुका है बिजनेस। अगर हम यहाँ पर ना होते तो शायद बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हम मिस कर जाते। तो हम भी 1 साल लेट हुए हैं क्योंकि हमें लोगों ने बहुत कुछ कहा था, अच्छा अच्छा कि ये तो एक अमेरिका की स्कीम है, प्रोडक्ट महंगे हैं, ऐसे करके। तो जब हमने लोगों की ये बातें सुनी तो हमारा माइंड क्लोज हो गया था और हम 1 साल पीछे हो गए थे। तो मैं नहीं चाहता कि आप लोग भी पीछे हों, तो आप इमीडिएटली डिसीजन लें। आज रवि एंड रंजू बोपाराय जी का प्लान बहुत ही वंडरफुल था, हमारे बहुत ही अच्छे मित्र हैं रवि एंड रंजू बोपाराय जी, और अमृतसर में हमने बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया उनके साथ, लुधियाना में वो अक्सर आते थे और बहुत अच्छा टाइम हमने स्पेंड किया। हमारी कॉमन अपलाइन है सुरजीत सिंह एंड सुरेंद्र कौर वड़ैच अमृतसर से, उस वजह से हमारा मिलना जुलना उनसे बहुत ही ज़्यादा करीबी रिश्ते हो गए, और दे आर आर ब्रदर्स नाउ, राइट। और उनको हम बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, उनसे हमने बहुत कुछ सीखा है, आज आपने भी उनसे बहुत कुछ सीखा होगा। तो और मैं जितने भी लोग हमारे साथ जूम पे, यूट्यूब पे जुड़े हुए थे, सबका मैं वेलकम करता हूँ। जितने भी सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, रूबी, सफायर, एमरल्ड्स, फाउंडर एमरल्ड्स जो कि जूम पे जुड़े हुए थे, हम उनका भी स्वागत करते हैं। उनमें से दुर्गा सिंह जी काशीपुर से हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, हर बार होते हैं। ऐसे ही डॉक्टर शमाकांत एंड किरण झा फ्रॉम पटना, ये भी हर बार होते हैं, बहुत ही अच्छे हमारे मित्र बन चुके हैं। विलास गुले जी तो हमारे बहुत प्यारे मित्र हैं, पुणे में हमने बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया इनके साथ, राइट। तो और हमारे डॉक्टर त्रेहन जी एंड आज तो किरण प्रताप शर्मा जी जो हैं वो यूके से, वो भी जुड़े हुए थे, राइट। और उनकी बहुत बड़ी टीम जो है वो जुड़ी हुई थी यूट्यूब के ऊपर। और विलोर से भी, साउथ इंडिया से विलोर से कुछ लोग यहाँ पे लीडर आज थे। सो कहने का मतलब पीपल फ्रॉम ऑल स्टेट्स and from many countries in the world they were together today, right? So aap is business ko chota mota na samjhiye, bahut hi powerful business hai aur aap isko jaldi se shuru kariye. Abhi hum invite karne ja rahe hain hamare aaj ke jo chief guest hain, chief speaker Ravi ji and Ranju Boparaya ji, wo aapko bahut acche tips dene wale hain. Aap apna dil tham ke baithiyega aur copy pen, dimag, कान सब खोल के रखिएगा, आंखें उन्होंने खोल देनी है आपकी, राइट। सो हम चाहेंगे कि आप बहुत ही ध्यान से उनको सुनिएगा, आपको आज डायमंड बना के वो छोड़ेंगे, राइट। वो टिप्स देंगे जिससे आप बहुत जल्द डायमंड चले जाएंगे। सो मैं गगन भेदी तालियां आपकी वर्चुअल क्लैपिंग से उनका फिर से स्वागत करना चाहूँगा। सो हेल्प मी वेलकम
Ravi and Ranju Bopparai ji from Amritsar. Thank you, Vimal ji and Vinita ji. Wonderful. बहुत ही अच्छा लगता है मिलके इनके साथ दुनिया की सैरें करते हैं तो इकट्ठे होते हैं. And you are very fortunate जो भी लोग इनके टीम में हैं. ये such a wonderful couple. और जैन साहब को तो मैंने देखा है. जैन साहब इतने इनोवेटिव हैं, इतने ब्रेनी हैं, इतनी सारी डिग्रीज हैं. He is always bringing up new ideas and you know. हमेशा कटिंग एज पे रहते हैं. ये बहुत बड़ी बात है. एक लीडर बड़ा बनने के लिए ये बहुत बड़ी बात होती है. सो अगर इसी तरह का एटीट्यूड आप भी लोग रखेंगे ना तो आई कैन टेल यू यू कैन ग्रो लाइक एनीथिंग. सो वी आर वेरी गुड फ्रेंड्स. बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके एंड इट वॉज ग्रेट. और आपके अपने अभिनीता दीदी भी बहुत शानदार लेडी हैं. इतने हम्बल ऑनेस्ट. रंजू तो उनसे इनके बारे में ज्यादा बता सकते हैं बट इसीलिए उनका इतना बढ़िया टीम है. व्हाट ए फाइन लेडी है ना. तो यू आर वेरी फॉर्चुनेट दोस्तों. ये लीडरशिप की एग्जाम्पल है. जैसे आपके आपने आपके अप्लाई नहीं किया है जो क्योंकि ये क्वालिटीज जिनके अंदर होती हैं वो लोग ग्रो करते हैं. तो अगर वो भी वही क्वालिटीज आपको करना क्या होता है. यू हैव टू कॉपी वॉट एवर टीम लीडर यू हैव. तो यहाँ पे हमारे पास और लीडर्स बड़े लुधियाना में और भी लीडर्स हैं. डॉक्टर अपना जगजीत सिंह लोहत्रा जी एंड सुरेंद्र कौर जी. वॉट ए वंडरफुल कपल. ग्रेट कपल है ना. उनके साथ भी मिलते रहे हैं. अमेजिंग. तो बहुत ही शानदार लीडर है. आज उनको कोई टेंशन नहीं है, है ना. देखिए वो रिटायरमेंट के बाद एक अच्छी लाइफ जी रहे हैं क्योंकि उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन खड़ा किया था. वंडरफुल. सो हैट्स ऑफ टू देम. देन अगेन वी हैव सतिंदर पाल एंड मिसेस परमिंदर टगर जी. क्या कमाल के लीडर हैं. वो भी शानदार लीडर. हमेशा एक्साइटेड एंथुजियास्टिक रहना और वंडरफुल ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड कर रहे हैं. बहुत बढ़िया लीडर. ठीक है. एंड देन वी हैव मिसेज एंड मिस्टर भूपिंदर बोपाराय जी. बहुत ही शानदार लीडर. बिजनेसमैन थे है ना. तो अगर आपको किसी को सीडी सुनाना है बिजनेसमैन की तो यू हैव एन एग्जांपल. ठीक है ना. मैं तो इसी तरह मैं बिमल जैन जी की बहुत सीडी लोगों को प्रमोट करता हूँ. क्यों. बिकॉज ही इज सच ए वंडरफुल स्पीकर. इनका वो लेटेस्ट ट्रेंड वो बहुत अच्छी सीडी है. और भी बहुत अच्छी सीडीज हैं. तो क्योंकि कई बार बैंकिंग में लाइन होते हैं या कुछ ऐसे लोग हैं तो उनको लगता है कि हमें सब मालूम है. तो यू कैन गिव ए सीडी है ना. तो सीडीज बहुत बड़ा रोल प्ले करती है. तो सो दिस इज ऑल्सो अनदर वेरी गुड कपल. भूपिंदर जी और उनके वाइफ. वंडरफुल लीडर. देन यू हैव यहाँ पे आज बड़े शानदार लीडर जुड़े हुए. मुझे याद आ गया घुले जी का. घुले जी के साथ अभी थोड़ी देर पहले मिले थे. व्हाट यू कॉल कोविड से पहले है ना. पुणे में. वो आई हैव अ टीम इन पुणे ऑल्सो. तो व्हाट ए वंडरफुल लीडर ही इज. और मजा आ जाता है इनका एंथुसियाज्म. इनकी सीडी सुनेंगे तो क्या कमाल की है. एंड देखिए एग्जाम्पल शो कर दिया उन्होंने कि कुछ भी आपकी परिस्थितियां कितने इन्होंने काम बदले कितना भी स्ट्रगल था लेकिन आज जिंदगी में सक्सेसफुल है. ठीक है. उनके वाइफ और वो दोनों. तो आई थिंक वी कैन गिव देम अ बिग हैंड है ना. देन वी हैव दुर्गा सिंह जी. मुझे याद है 2 साल पहले आई वॉज इन दिल्ली में हम लोग थे और वहां पे नया ऑफिस खुला था. आई थिंक इट वॉज रेडिसन के सामने. ठीक है. और वहां पे हम मिले और पिक्चर लिया हमने. तो सच ए मोटिवेशन फॉर एवरीबडी. और उनको कोई बताने में हिच नहीं है कि मैंने समय साइकिल को पंक्चर लगाता था. यहाँ पे लोग सच बोलते हैं कहाँ से शुरू हुए. पर क्योंकि यही एक कारण बनेगा लोगों का ग्रो करने का. उनका कितने लोगों ने हम लोग उनकी एग्जाम्पल दिया. कितने लोग उनको देखे ग्रो करते हैं. सर वी आर प्राउड ऑफ यू. दुर्गा जी आपके लिए बड़ा प्राउड फील करते हैं. एंड वी हैव डॉक्टर ट्रेन यूके से. वह वंडरफुल. सुरजीत जी ने इनके साथ मुझे इंट्रोड्यूस करवाया था. मेरे अपलाइन ग्रेट अपलाइन सुरजीत बराज जी और सुरेंद्र बराज जी. तो मुझे याद है यूके का एक ट्रिप था हमारा डायमंड इन्विटेशनल. और हम लोग लंदन घूम रहे थे तो तब मैंने मेरी एक सिस्टर है वहाँ पे उनको मिलने ही जा रहे थे. तो बस हम लोग ट्रैवल करके टैक्सी के बाद मैंने कहा चलो यहाँ से पैदल चलते हैं थोड़ा सैर करते हैं मार्केट में. तो वहाँ पे कोने पे आगे से डॉक्टर त्रेन आ रहे थे. इनको याद होगा. एंड देन वी मेट ओवर देयर. फैंटास्टिक फिनोमिनल. जम्मू से हैं बेसिकली और इस बिजनेस को देखो बिल्ड कर रहे हैं. ठीक है. तो ग्रेट टू सी यू सर हेयर. ओके. देन हमारे दोस्तों तीन चार ऐसे लोग हैं हमारी लाइफ में जिन्होंने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है ना. कहते हैं ना अपलाइन इज लाइफ लाइन. For example, first of all, I need to mention Dr. Harbhajan and Mrs. Mahinder Braj. What a wonderful couple. एक ट्रेंड सेटर इंडिया में. उन्होंने बिजनेस को जल्दी समझा जब लोगों को नहीं पता था. मुझे याद है जलंधर में एक बार मैंने किसी को बिजनेस प्लान दिखाया था. वो डॉक्टर था.
एंड डू यू नो उन्होंने क्या बोला, कहते यार आपके एक डॉक्टर ब्रैच होते थे, बाद में लोग ऐसे ही बोलते हैं जो लोग नहीं करते। मैंने कहा हाँ। कहते यार हम बड़े मूर्ख थे, तब उन्होंने बताया था और हम 50-60 डॉक्टर्स थे एक मीटिंग में और हमने मजाक उड़ाया था कि नहीं नहीं ऐसा नहीं होता, ये क्या कर रहे हैं डॉक्टर। कहते हैं आज हम सोचते हैं कि हमने कितनी बड़ी मिस्टेक की इस बिजनेस को नहीं किया। दोस्तों ऐसा होगा आपके साथ, कई लोग आज आपके ऊपर शायद थोड़ा हंसेंगे, उनको पता ही नहीं है, है ना, वो वही तरीकों से वो चल रहे हैं, वही हार्डवर्क कर रहे हैं, लेकिन आपके साथ ऐसा होगा, आप कहीं के कहीं आगे निकल जाएंगे और बाद में लोग सोचेंगे, और बाद में कई लोगों का इतना हिम्मत ही नहीं रहता कि हम दोबारा से बोल दें यार हम करना चाहते हैं। लेकिन कई लोग स्मार्ट होते हैं, वो बोलते हैं यार अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी हम करते हैं। कई लोगों ने दूसरी तीसरी बार स्टार्ट करके आगे निकल गए बहुत ज्यादा। तो डॉक्टर हरभजन और महेंद्र ब्रज बहुत एग्जाम्पल सेट किया पूरे इंडिया में उन्होंने। उन्होंने क्या किया, ज्यादा बिजनेस शेयर किया लोगों से। जितना ज्यादा लोगों का शेयर करोगे, आप ये अपने तक मत रखिए, ये मत सोचिए कि ये डर के मत दिखाइए किसी को, ठीक है, उतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन। ओके, सो वी सो फील सो प्राउड। देन आई हैव सुरजीत एंड सुरेंद्र ब्रज, इनका बहुत बड़ा रोल है हमारी लाइफ में। मिसेस सुरेंद्र, मैं उनको अपनी बड़ी बहन ही मानता हूँ, तो आज भी हम रेगुलरली मिलते हैं। सुरजीत इज नो मोर इन दिस वर्ल्ड, और मेरे हाथों में गए, मुझे पता प्लेन के अंदर, तब हम बैंकॉक में रुके थे, और जो कॉरपोरेशन ने जितना बढ़िया सपोर्ट दिया है, कर्नर कैली, अगर कोई और होता तो बहुत सारी प्रॉब्लम होती। एक दिन के अंदर कैसे उन्होंने दोबारा से सारा वीजा, पहले तो वीजा लगवाए बैंकॉक, बिकॉज वी वर एन रूट फ्रॉम बाली टू यहाँ, और उन्होंने सपोर्ट दिया, बेसी को अप्रोच किया, फिर से 5-star होटल बुक किए, सारा काम किया उन्होंने, इट वॉज अमेजिंग, है ना। बट देखिए आज लेगेसी चल रही है, आज सुरजीत यहाँ पे नहीं है, लेकिन उनके ये बिमल जी उनके ग्रुप में है, अमृता साहब उनके ग्रुप में है, टगर जी उनके ग्रुप में है, बोपराय जी उनके ग्रुप में है, मैं उनके ग्रुप में है ना। बिजनेस इज गोइंग ऑन, जो वैल्यूज उन्होंने हमारे अंदर डाला था, बहुत शानदार लीडर थे वो आज भी चल रही है। ये एग्जाम्पल है दोस्तों, अगर आप बिजनेस को सही तरीके से सींचोगे ना, आपका बिजनेस कभी नहीं रुकेगा, है ना। तो वी आर वेरी ब्लेस्ड के सुरेंद्र ब्रज जी हमारे साथ हैं, ठीक है, वी आर वेरी प्राउड ऑफ देम। तो एक और बड़े दो शानदार लीडर हैं हमारे बीच में, तीन, एक तो कुलिन देसाई जी हैं, कुलिन देसाई का बहुत बड़ा रोल रहा है, हमने उनकी सीडी सुन सुन के उनको मिले भी हैं, बहुत उनकी लर्निंग से बहुत ग्रो किए हैं, सारा इंडिया ग्रो किया है। देन यू हैव राज शाह जी, क्या शानदार लीडर, कितना फ्रेंडशिप के लिए उनके चैलेंज करते हैं, मैंने उनको देखा है, राज और संगीता इज ऑलवेज अ गिवर, उन्होंने कभी किसी से लेने का सोचा ही नहीं है, ही वाज ऑलवेज अ गिवर, कभी आप उनके साथ चले जाओ, कभी आपके लिए कोई गिफ्ट होगा, उनके अच्छे वर्ड्स होंगे, एंड दैट इज व्हाई ही इज सच अ बिग ऑर्गेनाइजेशन अराउंड द वर्ल्ड, और यही हमें कॉपी करने की जरूरत है। और व्हाट टू टॉक अबाउट कांति, कांति का जो पेशेंस है, कांति और लता गाला, इमेंडस, ट्रेमेंडस, हर तरह के, मैं देख रहा था कल इंस्टाग्राम पे ऊपर ल्यूनर न्यू ईयर चाइनीज मनाते हैं, और वहां पे वीडियो डाल रहे हैं, फोटो डाल रहे हैं, उनको कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं, दैट इज वाई उनके ऑर्गेनाइजेशन में आज गोरे भी हैं, काले भी हैं, चाइनीज भी हैं, इंडियन हैं, इतने डायमंड्स हैं। अगर हमें बड़ा ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड करना है, वी नीड टू हैव ए पेशेंस लाइक कांति, वी नीड टू यू नो बिल्ड लाइक हिम, एथिक्स लाइक हिम, है ना, क्या जबरदस्त एथिक्स है उनके। तो ये नहीं है कि वो हमें कम मिलते हैं, लेकिन उनकी टीचिंग्स हमारे अंदर इनग्रिल्ड है, दैट्स व्हाई हम लोग ग्रो किए। ये होता है लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप। अभी एक कुमार का सीडी आया था ना, उन्होंने बोला यू नीड टू नो योर ब्लड लाइन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको गर्व फील करना चाहिए अपने अपलाइन डायमंड के ऊपर, जो भी आपकी अपलाइन प्लेटिनम है, हमारा टीम है, और लेकिन डायमंड तक जरूर अपना बना के रखिए अपनी दोस्ती। सो वंस अगेन बहुत अच्छा लगा आप सबसे बात करके, ग्रेट लीडर्स ओवर हियर, सभी प्लैटिनम्स ने बोला, ग्रेट लीडर्स एमराल्ड्स ने बोला, बड़ा मजा आया। ओवर टू माय वाइफ, कुछ बातें करेंगे एंड फिर मैं 5 मिनट बातें करेंगे एंड देन वी विल रैप इट अप। सबको फिर से गुड इवनिंग, एंड जैसे अभी आपने बहुत सारे लीडर्स को देखा, आपने कुछ वीडियोस देखी, आपने बिजनेस प्रेजेंटेशंस देखी, एंड कई बार हम लोग देख रहे होते हैं और कई बार सोच रहे होते हैं कि इज इट अ रियलिटी, और ये इतना कुछ बोल रहे हैं, क्या रियल में होता है? देखो, आपके सामने लीडर्स होके गए हैं, आपके सामने लोगों ने बोला है कि उन्होंने अपने अपनी लाइफ इस बिजनेस से चेंज किया है। इट इज ओनली एंड ओनली वी हैव टू बिलीव, मतलब आपको खुद को अपने ऊपर विश्वास करना होगा कि क्या मैं अपनी लाइफ चेंज करना चाहता हूँ, क्या मैं अपनी लाइफ में प्रोग्रेस करना चाहता हूँ, डू आई रियली वॉन्ट टू शेप अप माई लाइफ इन अ न्यू वे, तो फिर डेफिनेटली ये बिजनेस आपके लिए है। एंड फ्रेंड्स,
जिस तरह के दौर में हम लोग चल रहे हैं, जिस तरह का माहौल इस समय चल रहा है, जिस तरह से वर्ल्ड इकोनॉमी चेंज हो रही है, रैपिडली एवरीथिंग इज चेंजिंग एंड डेफिनेटली वी ऑल्सो नीड टू, हम लोगों को भी बदलना होगा हमारा सोचने का तरीका, हमारे काम करने के तरीके, और जिंदगी में किस तरह से अपने आप को न्यू लाइफ में ढालने के लिए हमें भी अपने आप को चेंज करना पड़ेगा. एंड आई थिंक सो ये जो बिजनेस है ये बिल्कुल राइट हमारी इस 21st सेंचुरी का, जो इस समय जो हम लोगों ने देखा है लास्ट वन ईयर में जिस तरह से वर्ल्ड इकोनॉमीज चेंज हुई है, जिस तरह से सारा डिजिटलाइजेशन हो गया, जिस तरह से सारा का सारा ई कॉमर्स आ गया है, मतलब इट हैज पहले था मगर इतना प्रेवलेंट नहीं था, मगर अभी टोटली एवरीथिंग हैज शिफ्टेड. एंड वी आर थैंक गॉड हम लोग इस बिजनेस में हैं जो ऑलरेडी इस प्लेटफॉर्म पे ऑलरेडी बहुत हाई लेवल के ऊपर रन कर रहा था. ओनली वी हैव टू क्लाइम अप ऑन दैट. एंड हम लोगों ने इस बिजनेस से अपने बहुत सारे सपने पूरे किए. सपने क्या पूरे किए, मैं तो कहूँगी हमने अपनी जिंदगी बदल ली इस बिजनेस से हर एस्पेक्ट में. अगर हम अपनी पर्सनैलिटीज कहें, हमारी पर्सनैलिटीज टोटली चेंज होगी. आज आप हमें इतना कॉन्फिडेंस के साथ देख रहे हैं, शायद इतना कॉन्फिडेंस हमारे में पहले नहीं था. एंड उसके बाद में हमारी जो घर है, लाइक जो हम लोग मटेरियलिस्टिक चीजों को ले लेते हैं, घर, गाड़ी, यू नो योर किड्स एजुकेशन, लॉट्स ऑफ अदर थिंग्स, ये सारी के सारे मतलब कह लो एक टॉप लेवल के ऊपर इस बिजनेस के कारण हम लोग ले पाए हैं. और सबसे बड़ी बात है कि वी आर हैविंग टाइम विद ईच अदर. हमारे पास समय है कि हम ये देख सकें कि हम अपनी लाइफ को किस तरह से, किस वे में हम अपनी लाइफ को जीना चाहते हैं, किस वे, किस तरीके से हम आगे का अपनी जो प्लानिंग करनी है. बिकॉज सबसे बड़ी प्लानिंग क्या होती है, योर फाइनेंशियल प्लानिंग. जब तक आपके पास इनफ रिसोर्सेज नहीं होते हैं, इनफ फंड्स नहीं होते हैं, आप अपने फ्यूचर के बारे में क्या सोचोगे. कहते हैं ना कि बेसिक नीड्स से बाहर निकलेंगे, बेसिक रिक्वायरमेंट से बाहर निकलेंगे तो ही तो आगे के बारे में सोचेंगे. ये बिजनेस आपको वही अपॉर्चुनिटी देता है कि आप अपनी लाइफ को अपने हिसाब से ट्रांसफॉर्म करके उसको आगे ले सके जा सकते हैं. और हमने सबसे पहले क्या किया, हम इस बिजनेस के सबसे अच्छे गुड स्टूडेंट बने. कहते हैं ना एक गुड स्टूडेंट ही गुड टीचर बन सकता है. और हमने जो भी इस बिजनेस में जब साइन अप किया था, हम लोगों ने प्रोडक्ट्स की ट्रेनिंग सी. आज आप देखेंगे कि हर रोज आपको हर प्रोडक्ट्स के लिए मतलब आपको ट्रेनिंग्स मिल रही है. कंपनी इज प्रोवाइडिंग विद बेस्ट ऑफ द बेस्ट ट्रेनर्स विद यू. हर तरह की मतलब आपको एक बेसिक लेवल की ट्रेनिंग्स भी मिल रही है, आपको हायर लेवल की ट्रेनिंग्स मिल रही है. क्या आपने वो ली है? क्या हम लोग सिर्फ एक दो ट्रेनिंग्स लेके छोड़ रहे हैं? क्या हम लोग उसको बार बार रिपीटेडली ले रहे हैं? कहते हैं ना जब भी हम किसी चीज को रिपीट करते हैं तो वो हमारे अंदर क्या कहते हैं ना एक सॉलिड बेस बन जाता है, सॉलिड अंडरस्टैंडिंग बन जाती है. वही चीज हम लोगों ने इस बिजनेस में की. वॉट एवर कहते हैं जो भी चेंज करने की पड़ी, कहते हैं ना कि जैसे भी नए प्रोडक्ट्स आए, ओके वी हैड टू लर्न अबाउट दिस, वी स्टार्टेड लर्निंग अबाउट इट. अभी जैसे नया कुकवेयर आया हमारा, क्या कहते हैं एयर प्योरीफायर आया, नई नई चीजें आई, हम लोगों ने अपने आप को उस तरह से चेंज करते चले गए और अपने आप को इक्विप्ड करते चले गए, अपने आप को और हायर लेवल के ऊपर अपने आप को लेके जाना शुरू कर दिया. एंड जो हमारा सिस्टम है, जो हमारा सिस्टम है, बिजनेस है, मतलब जो हमारी सीरीज है, बुक्स है, मीटिंग्स है, और हम सब उसके साथ टोटली प्लग्ड इन हो गए. एंड क्या है कि हमारा ये नहीं था कि ये कुछ मैंने कुछ सीरीज सुननी है, कुछ मैंने नहीं सुननी है. जो भी बुक्स आती थी, जो भी हमारी सीरीज आती थी, एंड आज भी मैं आप सबको कहूंगी कि आर यू ऑन द स्मार्ट टच. क्या आप स्मार्ट टच के ऊपर आपने अपनी रजिस्ट्रेशन कराई है? क्या आपको मंथली सारा आ रहे हैं? क्या आप सुन रहे हो कि सीधा आधा सुना? मोस्टली क्या होता है, आगे के 10 मिनट सुन लिए, पीछे के 10 मिनट सुन लिए, बीच का हम लोग स्किप कर जाते हैं. डोंट डू दैट. लिसन, क्या वही बोला ना, गुड स्टूडेंट. बुक जो होती है, बुक के अंदर क्या है, एक एक चैप्टर में क्या लिखा हुआ है, एक एक चीज में क्या है, वो मैटर करेगा आपका सक्सेस. दैट इज अ गुड स्टूडेंट. एंड डोंट वरी व्हाट पीपल से. लोग बहुत कुछ बोलते हैं, बहुत कुछ इधर उधर सुनने को मिलता है, बट अगर आप एक ग्रेट लाइफ के ऊपर फोकस कर रहे हैं, एक बहुत अच्छी लाइफ के ऊपर फोकस कर रहे हैं, तो उन चीजों को इग्नोर करिए, सिर्फ अपने ड्रीम्स के ऊपर फोकस करिए. अपनी जो आपकी अपनी लाइफ है, जो आपकी फैमिली को जो आप देना चाहते हैं, उसके ऊपर फोकस करिए. एंड दिस इज द बिजनेस आई कैन बेट
कि अगर आप इसको सीरियसली करते हैं, आप अपनी अपलाइंस के साथ टाइटली प्लग्ड इन होते हैं, ठीक है। कहते हैं ना कि फॉरगेट अबाउट स्मॉल थिंग्स, मगर जो इंसान, जो भी लीडर, जो भी डिस्ट्रीब्यूटर, जो भी इंसान अगर अपनी अपलाइन, जो भी आपके प्लैटिनम है एंड आपके डायमंड्स हैं, अगर आप उनके साथ स्ट्रांगली एसोसिएटेड हो, तो डेफिनेटली आपकी सक्सेस 100 क्या मैं कहूंगी 2000% गारंटीड है। और अगर कहीं कहीं फ्लिप फ्लॉप्स है, कहीं कोई गैप्स है, देन यू नीड टू थिंक अबाउट इट एंड यू नीड टू रिकनेक्ट विद योर अपलाइंस। एंड क्योंकि ये बिजनेस से आप बहुत कुछ पा सकते हैं, चॉइस इज योर and you only have to decide it and you only have to do it. thank you Ranju, chaliye kuch minute aur baat karte hain, fir we'll wrap it up. dekhiye dosto, ye business start dream pe hota hai aur jab tak chalega dream ke karan chalega. and do you know what, maine dekha hai, maine itni books padhi hain, sab kuch padha, dreams ki koi baat nahi karta, only successful people are talking about. jitne bhi duniya ke bade bade diggaj hain jinhone bade bade business khade kiye hain, ya even that he could be an artist also, jo apne field mein, jaise Michael Angelo hai, aise hai, aise aaj bhi artist hai, wo bhi kamyab hai, aisi baat nahi, kyunki unhone wo field chuna hai. wo log iske bare mein baat kar rahe hain, dream ke bare mein, dusra nahi koi karta hai. unfortunately ye iske bare mein formal education mein nahi sikhaya tha. to formal education sirf aapko dega roti rozi, aur self education aur bit education, bit worldwide education aapko dega kamyabi. aur ye platform, कोई आपको बिजनेस चाहिए, एमवे एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आप आते ही बहुत कुछ सीखना शुरू कर देते हो. आज हम एक मीटिंग कर रहे थे, उसमें एक लड़की आई, शी वाज अ ह्यूमन रिसोर्स में वो काम कर रही थी, वेरी फ्लुएंट इन इंग्लिश, सब कुछ वो अच्छा पढ़ रहे थे. उनके मदर हमारे कस्टमर है, मतलब हमारी डिस्ट्रीब्यूटर के एक एक कस्टमर है. तो जब उनको पता चला वो बिजनेस में आ रही है, यू नो व्हाट शी सेड, कहते आज इंस्टाग्राम पे कुछ भी सीखना हो तो पहले वो बोलते इतने पैसे लाओ. हर इंसान यही डाल रहा है, और यहाँ पे हम फ्री सीख रहे हैं. कहती मैंने इतनी कुछ तीन चार अपनी मीटिंग से आपकी अटेंड की, इतना कुछ सीखा है फ्री में. यू कैन नॉट पुट ए वैल्यू ऑन दैट. ये जो फ्री में आपको एजुकेशन मिल रही है ना, यू कैन नॉट पुट ए वैल्यू ऑन दैट. अनबिलीवेबल है, ये यूनिवर्सिटी कॉलेज में नहीं पढ़ाया जाता. सो ड्रीमर बनिए. सबसे हमने पूरी वर्ल्ड ट्रेवल कर ली है, आपके जैन साहब है पूरी वर्ल्ड, डायमंड है पूरी वर्ल्ड ट्रेवल कर रहे हैं. क्या क्या खुश अभी सोचा था, कहाँ ईफल टावर, कहाँ चाइना की दीवार, कहाँ गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया, है ना, इंग्लैंड में वो झूले पे घूमेंगे, यू नेवर, नियाग्रा फॉल्स, है ना, इटली में बुल फाइट देखेंगे, वो स्पेन में, क्या ये सब सुना था कभी, नेवर. पूरी वर्ल्ड घूम सकते हैं, फ्रीडम, टाइम. अभी हमारे स्पीकर हैं जितेंद्र जी ने बोला फ्रीडम, ये इसकी वीडियो नहीं दिखाई जा सकती. टाइम कितना हो आप इंजॉय कर सकते हो. तो लास्ट में बातें करते हैं, very very important line I'm going to tell you. he is a very successful person. isne shayad Toffler ne bola, kisne bola, kehta you have to, agar naye zamane mein aapko jeetna hai, ek shandar zindagi rehni hai, warna wahi ghise pite tarike se aap subah jaoge, raat aoge, subah jaoge, isko rut system bolte hain. ab 40 saal baad bhi aap kaam kar rahe hoge, kaam ke paise ke liye piche bhag rahe ho. kehta you have to learn, unlearn and relearn. ये तीन बड़े पावरफुल शब्द हैं. पहले तो लोग सीखते ही नहीं. लर्न, अनलर्न. अनलर्न क्या करना है, जो पुराना पैराडाइम हम लेके घूम रहे हैं, मतलब ये होता है, ऐसे नहीं होता, वो नहीं होता, उसको छोड़ दो, उसको टाइम लगेगा. अनलर्न, नई वैल्यू सीखनी पड़ेगी, नए जमाना कैसा चल रहा है वो सीखना पड़ेगा. एंड रीलर्न, नई चीजें सीखनी पड़ेगी. सो इसके लिए सोशल मीडिया भी बहुत इंपॉर्टेंट है. नाउ दैट डजंट मीन के सोशल मीडिया पे जाओ और प्रोटीन पाउडर की फोटो डाल दो, नो, ऐसे नहीं चलेगा. उसका एक सिस्टम है, आप जाइए एमएल से पूछिए, वो आपको बताएंगे कैसे करना है. अपने अपलाइन से पूछिए कैसे करना है. यू हैव टू प्रूव पुल मार्केटिंग ओवर देयर आल्सो, है ना. बट सोशल मीडिया पूरा वर्ल्ड खोल देता है आपके लिए, ठीक है. अभी हम क्या कर रहे हैं, हम जूम पे मीटिंग कर रहे हैं, पहले कभी किया था, चाहे हम इजी था, लेकिन कभी हमने ट्राई किया, कुछ लोगों ने ट्राई किया, कुछ ने, बहुत सारे लोगों ने नहीं किया, क्योंकि जब मजबूरी बन गई तो हम यूज कर रहे हैं. यस, आज ऑनलाइन 90% ऑर्डरिंग होती है, 95% पहले भी कर सकते थे, कॉर्पोरेशन तो पहले से भूल रही है. तो यू हैव टू यूज दिस सिनारियो. कितना सीन बदल रहा है दोस्तों, अंडरग्राउंड, ऊपर से नहीं पता चलेगा. मैं इकोनॉमिक्स का विद्यार्थी हूं, कल ही एक वर्ल्ड बैंक, कल ही एक बंदा बोल रहा था जो पहले आरबीआई में रहा, कहता है डोंट थिंक के स्टॉक मार्केट ऊपर है तो इकोनॉमी बहुत बढ़िया है. दीज आर नॉट द पैरामीटर्स के स्टॉक मार्केट ऊपर है. और गोल्ड कब जाता है ऊपर पता है, जब स्टॉक मार्केट नीचे जाती है गोल्ड ऊपर जाता है,
तो कोई बंदा ये भी सोचता है गोल्ड की प्राइस बढ़ रही बहुत बढ़िया हो रहा है. यू कैनॉट नो द इकोनॉमी. और हमेशा गवर्नमेंट, अमेरिकन गवर्नमेंट भी छाप रही है, इंडियन गवर्नमेंट भी छाप रही है, दैट्स नॉट अ टॉपिक ओवर हियर. बट जब भी हम करेंसी छापते हैं इन्फ्लेशन बढ़ती है. You know, I don't want to tell, if you pursue this topic, somebody might sue me for that, right? But it's very, very important, I'm telling you. So, COVID ne itna uthal-puthal kar diya ke people are rethinking, governments are rethinking, and sare log rethink kar rahe hain business ko kaise. Aapne note kiya hoga, bahut sare badi-badi companies, even na, Bill Gates jaise log, dusre log, badi-badi companies, they are apne offices ko shift kar rahe hain. Ya to khatam kar rahe hain, ya shift kar rahe hain, kyunki online bhi business ho raha hai. To hame bhi gear up karna padega. ऑनलाइन वोकैबुलरी सीखना पड़ेगा, ऑनलाइन कैसे काम करते हैं सीखना पड़ेगा, ऑनलाइन कैसे प्रेजेंट करना है, नई भाषा को सीखना, लर्न, रीलर्न. तो गेट रेडी अगर आप बहुत बड़ा बिजनेस करना चाहते हैं. एज इज नॉट नो बार, ठीक है. तो दैट वाज नंबर वन. दूसरा, यहां पे ये एक फूल प्रूफ बिजनेस है, आपको पता ही है. आप जॉन सिस्टिना की सीडी सुनिए, फाइनेंशियल प्लानिंग, क्या नाम है, फॉरगेट द सीडी, प्लानिंग ए सक्सेसफुल फ्यूचर. उससे बढ़िया आपको कौन बता सकता है जो बिजनेसेस को एनालाइज करता है, हजारों बिजनेस को एनालाइज करता है. मिस्टर यूनिवर्स रहा है वो, हुज़ हू में रहा है वो बंदा, और वो इस बिजनेस को कर रहे हैं. एग्जीक्यूटिव डायमंड है ना, इसकी कोई ज्योग्राफिकल बाउंड्री नहीं है. आज बिजनेस करने हैं दूसरी जगह करना कितना कितना लफड़ा है, कितना काम करना पड़ता है, कितना कैपिटल लगाना पड़ता है. फिर इसमें लेस टाइम और लेस एफर्ट लगता है बनिस्पत दूसरे काम के. आप वहां पे 8 घंटे जॉब में कर रहे हो, प्रोफेशनल 10-10, 12-12 घंटे कर रहे हो. यहाँ पे टाइम कंपाउंडिंग होता है, तो 2-3 घंटे में भी बहुत कुछ हो सकता है. कांति अपनी सीडी में बोलते हैं, कहते पहले 11 महीने में मैं सिल्वर गया, लेकिन मेरे पास रोज का सिर्फ 1 घंटा होता था, बिकॉज ही वाज अ साइंटिस्ट. 7 घंटे काम करके भी वो सिल्वर चले गए, आज देखो वो क्राउन चले गए, कितने डायमंड्स नीचे ग्रुप में है. लुक एट द पावर ऑफ डुप्लीकेशन, है ना. तो कंटिन्यूसली लर्निंग हैबिट्स, कंटिन्यूसली यहाँ पे आना. थोड़ा थोड़ा टाइम भी लगाओगे ना, 2 घंटे, 3 घंटे, 2 घंटे, 1 घंटा, वो आपको कंपाउंड करता है. डैरन हार्डी की बुक है बहुत अच्छी, है ना, द कंपाउंड इफेक्ट. वो बोलता है आपकी हैबिट्स कंपाउंड इफेक्ट पैदा करती हैं, छोटी छोटी हैबिट्स. यू नो, ये नहीं है कि आप नहीं, आप रेगुलर आ रहे हो, थोड़ा काम कर रहे हो, तो नहीं है. थोड़ा थोड़ा, मैं 8 बजे के बाद काम करता था, वी बिकेम सिल्वर 3.5 महीने. अब आप फोन कॉल कर रहे हो, आप प्लान में किसी को बुला रहे हो, 1 को भी बुला सकते हो, 5 को भी बुला सकते हो, चॉइस इज योर्स. तो क्या सक्सेस रेट बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? तो हैबिट्स को चेंज करना है, योर हैबिट्स विल मेक यू. सो सोशल मीडिया को सीखिए, नए एक पैराडाइम के साथ आइए, बाउंस बैक करिए, ग्रो करिए. टाटा सारी गाड़ियों को बदल रहा है ना, सेल कम होगी तो वो वापस आए हैं, बिग बैंग की तरह वापस आए, बहुत अच्छी बना रहे गाड़ियां. क्यों? कोई भी बिजनेसमैन के साथ होता है, आपके अकेले का साथ थोड़ा होता है. लेकिन आप ऐसे ऐसे जाएंगे, स्टॉक मार्केट ऐसे ऐसे जाता है, लेकिन ऊपर को जाओगे आप, अगर ग्रो करते जाओगे, लीडर्स डेवलप करते जाओगे, दिस इज अ पार्ट ऑफ द बिजनेस, ठीक है. सो यहां वहां मत देखिए, नो क्रॉस लाइनिंग इवन ऑन इंटरनेट, ओनली टाइट रहिए अपलाइन अपलाइन के साथ. और मंथली बिजनेस करिए, पहले वीक में बिजनेस करिए, और बिजनेस को अपना समझ के करिए कि मेरा बिजनेस है, आई एम द ओनर ऑफ बिजनेस. इसका मतलब कि अपलाइन से बात नहीं करेंगे, नहीं. जितना बड़ा बिजनेस उतनी ज्यादा बात करनी होती है, तभी आप ग्रो करो, राइट. ये बातों से मैं फिनिश करता हूँ. इट्स ए ग्लोबल बिजनेस, लुक बियॉन्ड दैट. मुझे याद है, मैं एंड में एक बात करता हूँ. हम लोग वियतनाम में थे, शायद गो क्राउन था वहां पे, और वहां पे एक बंदे ने डायमंड स्टोरी सुनाई. कहता है यहाँ पे फंक्शन होता है, कई बार फंक्शन में 2-3 दिन का वहां पे फंक्शन होता है, ऐसे ऐसे बड़े फंक्शन जो होते हैं सिस्टम से. और 3 दिन लोग आए और छतरियां लेके आए, स्टेडियम में पानी बरस रहा है इतनी, क्योंकि वो ट्रॉपिकल एरिया में है और पानी बरस रहा है, लेकिन वो मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, सीख रहे हैं. पीपल आर हंग्री, आई टेल यू. चाइना नंबर 1 कैसे बन गया? क्योंकि चाइना में तो कम्युनिस्ट पार्टी थी, लेकिन लोगों को बिजनेस पसंद आया, लोगों ने किया ये बिजनेस को. आज रशिया बहुत डेवलप कर रहा है, इंडिया में बहुत ग्रोथ हो रहा है. इंडिया पहले देखिए 10-15 महीने आ गया कि नहीं. सो आपको सोचने की जरूरत है. डोंट बिकम ए जस्ट ए फॉलोअर, सारी जिंदगी पीछे ही लगे रहना, मैं तब करूंगा जब सारे आगे निकल जाएंगे. लीड लीजिए, आगे आइए, ग्रो करिए. दिस इज द बेस्ट बिजनेस. थैंक यू वेरी मच. ओवर टू आवर वंडरफुल होस्ट. बहुत मजा आया आपसे बात करके. थैंक यू सो मच. पाजी, थैंक यू. एक्सीलेंट, वंडरफुल. थैंक यू रंजू जी. थैंक यू रवि जी. ओवर टू जितेंद्र जी. थैंक यू रवि जी, रंजू जी. नए दोस्तों को मैं एक बात जरूर शेयर करूंगा कि रवि जी और रंजू जी को कोई मॉनेटरी बेनिफिट नहीं है. आज जो उन्होंने अपने दिल से बातें की, अपनी विजडम हमारे साथ शेयर की है,
क्योंकि पैसे के लिए काम करना उन्होंने बंद कर दिया. नाउ दे आर वर्किंग फॉर द पैशन है उनके उनका के लोगों की हेल्प की जाए जो आप लोग आगे ग्रो करना चाहते हैं. आज जो भी उन्होंने बात की है मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं कि वो जिंदगी वो जी रहे हैं, एक एक रिवॉर्ड जी रहे हैं जिसके बारे में उन्होंने बात की, फ्रीडम की लाइफ के बारे में बात की, वो फ्रीडम की लाइफ जी रहे हैं. और बहुत सी बातें आपको बार भी सुनने को मिलेंगी इस बिजनेस के बारे में. आपने जस्ट चेक करना है कि जो बातें वो कर रहे हैं क्या वो जिंदगी जी रहे हैं. फिर डिसीजन आपके ऊपर है, जैसे रंजू ने बताया, इट्स योर डिसीजन कि आप कौन सी जिंदगी जीना चाहते हैं, लाइफ ऑफ फ्रीडम या वही बार जो लाइफ लोग आजकल जी रहे हैं. तो अगर तो लाइफ ऑफ फ्रीडम जीनी है तो देयर इज ओनली वन वे कि हमें किसी न किसी रंजू जी, रवि जी जैसी, बिमल जैन जी या अमृता जैन जैसे लीडर के साथ रहना पड़ेगा. क्योंकि एक बहुत बढ़िया बात मैंने सुनी है किसी बहुत ही कामयाब बंदे से कि अगर आपके चार दोस्त अमीर हैं तो आपका अमीर होना तय है. तो अगर आप वाकई में ही फ्रीडम वाली लाइफ जीना चाहते हैं तो आपको एसोसिएट करना पड़ेगा जो लोग फ्रीडम ले चुके हैं. और वो एसोसिएशन हर संडे 8 बजे से लेकर 10 बजे तक हम आपको प्रोवाइड करेंगे. बहुत मेहनत करते हैं इसके ऊपर प्रोवाइड करने के लिए. बहुत अच्छे अच्छे लीडर्स आपके साथ मिलने आएंगे, पर आपको 8 बजे से लेकर 10 बजे तक लॉग इन करना पड़ेगा और 2 घंटे इन टच रहना पड़ेगा अपनी वीडियो स्क्रीन के साथ, ताकि आपको ये फ्रीडम वाली लाइफ मिले. अगर आप ये संगत कर गए तो आपका भी डायमंड जाना तय है, और डायमंड जाके फ्रीडम वाली लाइफ एंजॉय करना तय है, और सभी वो रिवॉर्ड्स एंजॉय करना तय है जो डायमंड लाइफस्टाइल पे आपको मिलते हैं. तो नेक्स्ट संडे एक और पावरफुल प्रेजेंटेशन के साथ हम आपके समक्ष होंगे. टिल देन मैं दोबारा धन्यवाद करना चाहूंगा रंजू जी और रवि जी का. वी आर इंडेब्टेड टू देम के बहुत बढ़िया प्लान दिखाया उन्होंने. ही इज माय वन ऑफ द बेस्ट स्पीकर. मैं उनको बहुत ध्यान से सुनता हूं, बहुत अच्छी अच्छी और विजडम वाली बातें करते हैं. थैंक यू रवि जी एंड थैंक यू रंजू जी फ्रॉम माय हार्ट. सभी लीडरशिप की तरफ से हम आपका फिर से स्वागत करते हैं और धन्यवाद करते हैं आज की प्रेजेंटेशन के लिए. तो नए दोस्तों को मेरी यही एडवाइस है कि अगली बार फिर हमारे साथ जुड़िए और दोस्तों को भी लेके आइए. टिल देन गुड बाय एंड गुड नाइट. वी आर डन हियर.